नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेजर एक्सीडेंट हजार्ड कंट्रोल के बारे में। शॉर्ट फॉर्म में इसको नॉर्मली MAH कंट्रोल कहा जाता है, यानी मेजर एक्सीडेंट हजार्ड कंट्रोल। तो यहां पर सबसे पहले आपको मेजर एक्सीडेंट एग्जैक्टली क्या है और किस ओरिएंटेड उसको हम मेजर एक्सीडेंट कह सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर ये स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो जैसे अभी हमने कहा है MAH कंट्रोल, तो MAH यूनिट भी सेपरेट होते हैं। तो अगर आप नॉर्मल इंडस्ट्रीज में देखेंगे तो MAH यूनिट ये अलग कंसेप्ट है और उसके बेसिस पे भी आपको अलग गाइडलाइंस मिल जाएगी। तो MAH यूनिट अगर आपका होगा तो उसके लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस या कुछ एडिशनल गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होगी और उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी आपको रेफर करनी होगी। तो सबसे पहले ये मेजर एक्सीडेंट किस ओरिएंटेड है, तो जनरली अगर हम देखेंगे तो ये हजार्डस प्रोसेस, हजार्डस केमिकल हैंडलिंग स्टोरेज उसके ओरिएंटेड है। क्योंकि नाम से आपको पता चलता है कि अगर एक्सीडेंट आपके यूनिट में मेजर होने के चांसेस है तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नॉर्मली सभी इंडस्ट्रीज में कोई ना कोई लेवल का इंसिडेंट या एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, लेकिन यहां पे हम बात कर रहे हैं मेजर एक्सीडेंट। तो मेजर एक्सीडेंट में मेजर डैमेजेस या नंबर ऑफ इंजरीज ज्यादा हो सकती है या फिर फैटलिटी हो सकती है। तो इस हिसाब से अगर हम मेजर एक्सीडेंट देखते हैं तो ऐसे इंडस्ट्रीज, ऐसे यूनिट आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि जहां पर मेजर एक्सीडेंट होने के चांसेस। तो इसीलिए आपको हजार्ड आइडेंटिफाई करना होगा और उसके बेसिस पे फिर MAH यूनिट है या नहीं ये फिजिबिलिटी आपको चेक करना है और उसके बाद में फिर ये जो एक्सीडेंट है, ये मेजर एक्सीडेंट होने के चांसेस, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए इसके बारे में हमको सोचना होगा। तो ये ओवरऑल प्रेजेंटेशन MAH कंट्रोल के ओरिएंटेड है। तो इसमें आज हम बात करेंगे लेजिस्लेशन क्या है, इसमें यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन के रेफरेंसेस क्या है MAH कंट्रोल के लिए, MAH कंट्रोल सिस्टम क्या है इंडिया में और जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसमें, स्पेशली जो हमने लेजिस्लेशन की बात की तो लेजिस्लेशन में स्पेशली आपको फैक्ट्री एक्ट देखना है या फिर MSIHC रूल देखना है और सीमा रूल देखना है। उसके अलावा जो MSIHC रूल, जो स्पेसिफिक रूल्स है वो आपको MAH यूनिट के लिए कौन से एप्लीकेबल है वो भी आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। उसके बाद में जो क्राइटेरिया है MAH इंस्टॉलेशन का, उसको आइडेंटिफिकेशन एग्जैक्टली कैसे करते हैं वो भी आपको डिस्कस करना है। उसके बाद में रोल ऑफ ऑक्यूपायर क्या है, अगर आपका MAH यूनिट है तो एज ए ऑक्यूपायर आपका रोल क्या होगा और बाकी के जो अथॉरिटीज है उनका रोल क्या होगा। तो जैसे लोकल अथॉरिटीज भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी हो सकती है, तो ऐसे अलग अलग जो अथॉरिटीज है इनका रोल क्या है इसमें। और अगर आपका MAH यूनिट फाइनलाइज हो चुका है तो उसमें ऑन साइट इमरजेंसी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, ऑफ साइट इमरजेंसी प्लानिंग क्या होनी चाहिए और फिर जो इंफॉर्मेशन आपकी MAH यूनिट ओरिएंटेड है उसका कलेक्शन, डेवलपमेंट और डिसिमिनेशन जो करना चाहिए उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये ओवरऑल कंटेंट्स है इस प्रेजेंटेशन की। तो सबसे पहले है लेजिस्लेशन। तो जो भी आपकी फैक्ट्री होगी तो फैक्ट्री जैसे वर्डिंग आता है फैक्ट्री एक्ट के डेफिनेशन के हिसाब से, तो आपको कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल होगी और सबसे इंपॉर्टेंट रूल एप्लीकेबल होता है फैक्ट्री एक्ट। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 ये आपको रेफर करना है MAH यूनिट गाइडलाइंस के लिए। उसके अलावा सेकंड जो लेजिस्लेशन है MSISC यानी कि मैन्युफैक्चरर स्टोरेज इंपोर्ट हजार्डस केमिकल्स रूल 1989। तो यहां पर भी ये रूल किस लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पे हजार्डस केमिकल्स हम हैंडल कर रहे हैं या फिर स्टोर कर रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हजार्डस केमिकल्स की जब बात आती है, हजार्डस प्रोसेस की बात आती है, हजार्डस वेस्ट की बात आती है, तो वहां पे मेजर एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए आपको MSIHC के कुछ रूल्स आपको एप्लीकेबल होंगे। और फैक्ट्री के जो नॉर्मल प्रोसीजर्स है वो प्रोसीजर या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या जो सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है या फिर उसमें बहुत सारे जो गाइडलाइंस है फैक्ट्री एक्ट के अंदर वो भी फॉलो करने हैं, इसलिए फैक्ट्री एक्ट भी यहाँ पे आता है। अभी उसके अलावा ये स्पेसिफिक रूल है मेजर एक्सीडेंट ओरिएंटेड जिसको हम कहते हैं सीमा रूल।
सीमा रूल मीन्स कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल मेजर एक्सीडेंट हजार्डस एक्सीडेंट हजार्ड रूल 1997। तो ये बाद में 2003 को भी अमेंड हुआ है, तो सीमा रूल 2003 भी नियर अबाउट सेम है। आपको एटलीस्ट बेसिक्स इसके मालूम चाहिए और हमको अभी फोकस करना है मेजर एक्सीडेंट ओरिएंटेड इसका कनेक्शन क्या है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज में जो मेजर एक्सीडेंट होते हैं, जो मेजर एक्सीडेंट हजार्ड्स है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको कंट्रोल करने के लिए ये स्पेसिफिक सीमा रूल बना है। तो ये मेन तीन रूल आपको पढ़ना है। अगर आपका यूनिट एमएच यूनिट ओरिएंटेड होगा तो उसके लिए आपको ये तीन रूल्स एंड रेगुलेशन और उसमें से स्पेसिफिक रूल्स या सब रूल जो होंगे वो आपको जो एप्लीकेबल होंगे उसके बारे में आपको सोचना है और उसको सोल्यूशन ओरिएंटेड आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो सबसे पहले ये फैक्ट्री एक्ट के अंडर आपको स्पेसिफिक रूल एप्लीकेबल है वो है हजार्डस प्रोसेस, क्योंकि हमने अभी बात की है कि अगर मेजर एक्सीडेंट होता है तो मेनली ये हजार्डस प्रोसेस, हजार्डस वेस्ट, हजार्डस केमिकल्स ओरिएंटेड होगा, चाहे वो स्टोरेज हो, हैंडलिंग हो, इंपोर्टिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या कुछ भी एक्टिविटी हो। तो वहां पे अगर हजार्डस वर्ड आता है तो कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे यहाँ पे मेजर एक्सीडेंट होने के चांसेस है, इसीलिए आपको हजार्डस प्रोसेस एक्सेप्ट क्या है वो मालूम चाहिए। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 में सेक्शन 2CB में दिया है हजार्डस प्रोसेस मीन्स कोई भी प्रोसेस जो आपके इंडस्ट्री में आती है और जो स्पेशली फैक्ट्री एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में जो मेंशन किए है। तो यहाँ पे 29 जो इंडस्ट्रीज के हजार्डस प्रोसेस है वो लिस्ट आउट किए है और वहां पे स्पेसिफिकली आपका रॉ मटेरियल हो, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो या फिनिश प्रोडक्ट हो या बाय प्रोडक्ट हो या वेस्ट हो या एफ्लुएंट हो, तो कोई भी मटेरियल अगर यहाँ पे आप कोई हजार्डस मटेरियल फॉर्म कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हैंडल कर रहे, तो अगर इसमें से कोई हेल्थ पे इंपैक्ट होता है या मटेरियल की वजह से या फिर एनवायरमेंट पे डायरेक्टली इंपैक्ट होता है या फिर पोल्यूशन के लिए ये रीजन डिसाइड हो जाता है, तो ये जो प्रोसेस है जो भी आप मटेरियल हैंडल करने वाले तो ये प्रोसेस हजार्डस प्रोसेस हो जाएगी। तो हेल्थ इंपैक्ट और एनवायरमेंट इंपैक्ट आपको मेन चेक करना है, अगर ये यहाँ पे हो रहा है तो ये प्रोसेस आपकी हजार्डस प्रोसेस हो जाएगी। सेक्शन 2M फैक्ट्री एक्ट में फैक्ट्री डेफिनेशन दी है, क्योंकि आपको यूनिट चेक करना है, उसके लिए ये यूनिट फैक्ट्री है या नहीं ये आपको पहले सबसे पहले चेक करना है। तो फैक्ट्री के लिए ये जो ओल्ड डेफिनेशन है वहां पे 10 और मोर वर्कर्स अगर आपके यहाँ पे फैक्ट्री में इंडस्ट्री में वर्क करते होंगे तो वहां पे उसको फैक्ट्री कहा जाएगा, लेकिन वहां पे कंडीशन है कि ये विद द एड ऑफ पावर, वहां पे पावर यूटिलाइज हो रही है और कम से कम 10 अगर वर्कर्स होंगे तो उसको हम फैक्ट्री कह सकते हैं। अगर आपके इंडस्ट्री में पावर यूटिलाइज नहीं हो रहा है, कोई पैकिंग इंडस्ट्री है या फिर ऐसे कोई इंडस्ट्री की एक्टिविटी है जहां पे पावर का यूटिलाइजेशन नहीं है, तो वहां पे एटलीस्ट 20 वर्कर्स अगर होंगे तो उसको भी हम फैक्ट्री कह सकते हैं सेक्शन 2M फैक्ट्री एक्ट 1948 के हिसाब से। सेक्शन 2N है जो है ऑक्यूपायर, क्योंकि ये जो मेजर एक्सीडेंट या मेजर एक्सीडेंट यूनिट्स है तो उसका मेन जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा वो होगा ऑक्यूपायर। तो ऑक्यूपायर का डेफिनेशन फैक्ट्री एक्ट 1948 सेक्शन 2N के हिसाब से है कि जो पर्सन जिसका अल्टीमेट कंट्रोल है ये ओवरऑल फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है, और ये फैक्ट्री में अगर कोई हजार्डस प्रोसेस चलती है तो ये फैक्ट्री का जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो पर्सन को हम ऑक्यूपायर कहेंगे। तो जो भी इंडिविजुअल्स होंगे या फिर इंडिविजुअल पार्टनर भी हो सकते हैं या फिर ओवरऑल कंपनी हो सकती है या फिर पार्टनरशिप में कोई पार्टनर भी हो सकता है, कोई डायरेक्टर हो सकता है, या फिर अगर वो कंपनी या फैक्ट्री स्टेट गवर्नमेंट ओने, सेंट्रल गवर्नमेंट ओने या कोई लोकल अथॉरिटी के अंडर है तो वो पर्सन यहाँ पे ऑक्यूपायर बन जाएगा। तो जिसका अल्टीमेट कंट्रोल ये ओवरऑल फैक्ट्री पे है और ऑन डॉक्यूमेंट उसका 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको हम ऑक्यूपायर कहेंगे। अभी सेक्शन 7A में है जनरल ड्यूटीज ऑफ द ऑक्यूपायर। तो ये सभी बातें आपको यहाँ पे स्टडी क्यों करना है, क्योंकि मेजर एक्सीडेंट हजार्ड या MH यूनिट में अगर आपको एक्सीडेंट कंट्रोल करने हैं तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबल पर्सन और जो रेफरेंस रूल कौन से है ये आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। तो सेक्शन 7A में यहाँ पे ऑक्यूपायर की ड्यूटीज दी है जिसमें क्लियर कट बताया है कि सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर,
ये वर्कर्स का जो SHW आपको ओवरऑल फोकस करना है, और उसके लिए आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है, या फिर उसको मोटिवेशन देना है, या फिर उसको मोरल सपोर्ट देना है, ये सभी चीजें ऑक्यूपायर को करनी है। तो यहाँ पे कम से कम रिस्क हो, मैक्सिमम सेफ प्रोसेसेस या सेफ इक्विपमेंट ऑपरेशंस या सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होनी चाहिए। उसके लिए आपके यहाँ पे कुछ सिस्टम्स आपको सेट करने होंगे, कुछ प्लानिंग ठीक तरह से करनी होगी, जो भी एक्टिविटीज होंगी, चाहे वो हैंडलिंग हो, स्टोरेज हो, ट्रांसपोर्ट हो, यूटिलाइजेशन हो, एप्लीकेशन हो, डिजाइन हो, ये सभी जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज होगी, ये एक्टिविटीज सेफ एक्टिविटीज होनी चाहिए, और जिसकी वजह से ओवरऑल जो वर्किंग एनवायरमेंट है आपका, वो वर्किंग एनवायरमेंट आपका सेफ होना चाहिए, इसके बारे में आपको सोचना है, और उसी हिसाब से आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है, और जो इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स या और कुछ लगेगा वो फैसिलिटीज भी आपको एग्जीक्यूट करनी है, ये सभी ड्यूटीज ऑक्यूपायर की। उसके अलावा जो ओवरऑल कंपनी का या फैक्ट्री का जो सेफ्टी पॉलिसी है वो प्रिपेयर करना है, और उसमें सेफ्टी पॉलिसी में अलग अलग कमिटमेंट्स होते हैं, और ये कमिटमेंट के हिसाब से आपको एग्जीक्यूशन करना है, प्लानिंग करना है। तो सेफ्टी पॉलिसी में जो भी आपने कमिटमेंट दिए होंगे उस हिसाब से प्लानिंग करना होगा, और उसी हिसाब से अगर कुछ परचेज करना है, कुछ ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करना है, या फिर कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स अरेंज करने हैं, या फिर कुछ कॉम्पिटिशन अरेंज करना है, उस हिसाब से ये सब वर्कआउट करके आपको 100% कमिटमेंट फॉलो करके सेफ्टी पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है। अभी ये जनरल ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर, जहां पे मैन्युफैक्चरर ये वर्डिंग आता है तो उसके लिए भी स्पेसिफिक ड्यूटीज है, जैसे सेक्शन 7B, यानी कि ऑक्यूपायर अगर डिफरेंट होगा और मैन्युफैक्चरर अगर डिफरेंट होगा तो मैन्युफैक्चरर के लिए भी यहाँ पे स्पेसिफिक ड्यूटीज दी है। तो ये सिमिलर ड्यूटीज होगी, जैसे ही ऑक्यूपायर को ड्यूटीज है उसी हिसाब से मैन्युफैक्चरर के लिए भी 7B में ड्यूटीज दी। अभी कुछ जो सेक्शंस है तो वो सेक्शंस कुछ स्पेसिफिक, जैसे यहाँ पे क्लियर कट फोकस किया गया है, तो ये चैप्टर 4A जो है, तो ये चैप्टर 4A आपका स्पेसिफिक हैजार्डस प्रोसेस ओरिएंटेड है, तो ये आपको ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि हम मेजर एक्सीडेंट हजार्ड की बात कर रहे हैं, MH यूनिट की बात कर रहे हैं, MH कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपका मेन फोकस होगा हैजार्डस प्रोसेस, हैजार्डस केमिकल्स, हैजार्डस वेस्ट। तो ये हैजार्डस प्रोसेस कंट्रोलिंग के लिए आपको ये फैक्ट्री एक्ट का चैप्टर 4A आपको डिटेल में पढ़ना होगा। तो इसमें मेनली सेक्शन 41A to 41H ये सभी बातें हैजार्डस प्रोसेस ओरिएंटेड है। जैसे यहाँ पे सेक्शन 41A है, साइट अप्रेजल कमेटी, तो आपका जो यूनिट रहेगा, जो लोकेशन पे रहेगा, वो लोकेशन को हम नॉर्मली साइट कहेंगे, और हैजार्डस प्रोसेस ओरिएंटेड ये साइट का मीनिंग है कि ये यहाँ पे ये यूनिट में हैजार्डस प्रोसेस जाने वाली, तो वो साइट आपको पहले अप्रूव करना जरूरी है, और उसके लिए आपको एप्लीकेशन देना होगा पोल्यूशन कंट्रोल को, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपको, फिर उसके अलग अलग कमिटीज और उसके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, और फिर वो लोकेशन में क्या फैसिलिटीज आपने किए हैं, क्या एग्जैक्ट प्रोसेस है, अगर इनकेस एक्सीडेंट होता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, ये सभी बारे में स्टडी करेंगे, और फिर उसके बाद में वो साइट का अप्रूवल देंगे। उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि अभी हमने बताया कि ये हैजार्डस प्रोसेस है, तो ये एग्जैक्टली हैजार्डस प्रोसेस क्यों डिफाइन हो गई है, या फिर इसमें कुछ केमिकल्स की वजह से हैजार्डस है, या फिर कुछ पैरामीटर जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, या फिर फ्लो रेट या क्वांटिटी की वजह से ये हैजार्डस है, या फिर कोई और चीज है जिसकी वजह से ये हैजार्डस हो चुके हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करना है। आज के डेट में नॉर्मली हम वेबसाइट पे भी डिस्क्लोज करते हैं, या फिर आपको मेल थ्रू भी आपको डिस्क्लोज करना आता है, या फिर न्यूज या जो न्यूज़पेपर्स है उसके थ्रू भी आप इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं। उसके अलावा जो कन्वेंशनल टेक्निक से, जैसे कहीं पे बोर्ड्स लगाए हैं या फिर डिस्प्लेस लगाए हैं, जहां से आपको पता चलेगा कि ये यूनिट में अलग अलग जो हैजार्डस प्रोसेस है, हैजार्डस केमिकल्स किस क्वांटिटी में यूज होते हैं, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो सकती है। उसके बाद में है 41C, तो जैसे अभी ये हमने बताया है ऑक्यूपायर की ड्यूटी, तो अभी हमने सेक्शन 7A में जो हमने पढ़ा था वो सेक्शन 7A में जनरल ड्यूटीज पढ़ी, अभी यहाँ पे जो है ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो जनरल ड्यूटीज क्या थी सेक्शन 7A में देखा है हमने, अभी यहाँ पे स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑक्यूपायर की, ये आपको 41C में पता चलेगा। इसके अलावा है 41D, सेंट्रल गवर्नमेंट
टू अपॉइंट इंक्वायरी कमिटी। अगर इन केस यहाँ पे किसी ने ऑब्जेक्शन दिया या फिर ऑब्जेक्शनेबल आपको प्रोसेस लगती है, ऑब्जेक्शनेबल केमिकल्स हो सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्शनेबल थ्रेशोल्ड क्वांटिटी को क्रॉस करके आप यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, या फिर कोई एफ्लुएंट का इश्यू होगा, या हजार्डस वेस्ट का इश्यू होगा, बाय प्रोडक्ट का इश्यू होगा, अगर कोई भी इश्यू यहाँ पे होता है तो वहां पे इंक्वायरी कमेटी ऑर्गेनाइज हो सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू वो रिप्रेजेंट करेगी और वहां पे डिटेल में इंक्वायरी करके आपको सोल्यूशन देगी। उसके अलावा है 41E इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे जो भी इमरजेंसी आ सकती है उसके लिए आपको स्टैंडर्ड सेट करने होंगे और ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड जो है वो आपको गाइडलाइंस देंगे। 41F है परमिसेबल लिमिट्स ऑफ एक्सपोजर। तो जो भी आप प्रोसेस यूटिलाइज कर रहे हैं, जो भी आप केमिकल्स यूटिलाइज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट यूटिलाइज कर रहे हैं, तो जहां पे हजार्डस प्रोसेस डिफाइन हो रहा है या फिर हजार्डस एटमॉस्फेयर डिफाइन हो रहा है, तो वहां पे मैक्सिमम लिमिट्स ऑफ एक्सपोजर कितना है। तो नॉर्मली ये टाइम में भी होता है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर 15 मिनट्स का एक्सपोजर आपको यहाँ पे अगर दिया होगा तो उसको हम स्टेल वैल्यू कहते हैं, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट, या फिर अगर ये 8 आवर्स के लिए आप वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए हम TWA वैल्यू कहते हैं, यानी कि टाइम वेटेड एवरेज, या फिर ये ऐसे अलग अलग वैल्यूज होते हैं, जैसे यहाँ पे IDLH भी हो सकता है या फिर और कुछ UK, US और अलग अलग कंट्रीज के सिस्टम्स अलग होंगे। तो नॉर्मली हम स्टेल वैल्यू और TWA वैल्यू रेफर करते हैं। तो इसमें आपको कितने मिनट्स का एक्सपोजर मैक्सिमम अलाउड है ये यहाँ पे डिफाइन होगा 41F के अंदर। 41G में जो सेफ्टी मैनेजमेंट की पार्टिसिपेशन होते हैं तो वो एक्टिविटीज आपको देना चाहिए, जैसे यहाँ पे अगर सेफ्टी कमिटी होती है तो सेफ्टी कमिटी की अगर मीटिंग होगी तो सेफ्टी कमिटी के मीटिंग्स में जो वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो यहाँ पे जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी कमिटी में ही डिफाइन किया है फैक्ट्री एक्ट में, MFR में, कि वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे जरूरी हो, क्योंकि वर्कर्स के जो इश्यूज होंगे और स्पेशली जो सेफ्टी ओरिएंटेड इश्यूज होंगे वो यहाँ पे आपको सेफ्टी कमिटी में सेफ्टी मैनेजमेंट को बताना है और सेफ्टी मैनेजमेंट भी उसको रिस्पॉन्स देगा कि ये इश्यूज में से कितने वैलिड इश्यूज है, कितने इनवैलिड है, और जो वैलिड इश्यूज है उसके लिए हमको अभी नेक्स्ट स्टेप क्या लेने चाहिए, ये अलग अलग आपको डिस्कशन यहाँ पे मिलेगा। और आपको मेनली फोकस करना है कि जहां पर हजार्डस प्रोसेस है, हजार्डस केमिकल हैंडलिंग है, स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो वहां पे आपको इश्यूज क्या आ सकते हैं, किस लेवल के एक्सीडेंट होने के चांसेस है, यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस क्यों है, और उसके लिए फिर पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, ये आपको सेफ्टी मैनेजमेंट को बताना होगा। तो इसी हिसाब से जैसे वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव है, अलग अलग डिपार्टमेंट के भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और उनके व्यूज थ्रू भी ये सेफ्टी मैनेजमेंट को कन्वे किया जाए। उसके बाद में है 41H, राइट ऑफ वर्कर्स टू वार्न इमिनेंट डेंजर। तो जहां पर आप हजार्डस प्रोसेस यूटिलाइज कर रहे हैं, हजार्डस केमिकल यूटिलाइज कर रहे हैं, या फिर पैरामीटर्स कुछ हजार्डस है जिनकी वजह से यहाँ पे मेजर एक्सीडेंट होने के चांसेस है, तो ये वर्कर्स का राइट है कि उसको इसके बारे में, ये जो हजार्ड है इसके बारे में ये क्लियर कट मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे ये डेंजरस सिचुएशन है, यहाँ पे ये डेंजरस टेम्परेचर या डेंजरस प्रेशर है, या फिर हम डेंजरस केमिकल्स यूज कर रहे हैं, या फिर हम डेंजरस ऑपरेशंस हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसके बारे में भी आपको डिटेल मालूम होना चाहिए, ये वर्कर्स का राइट है। तो ये 41A टू 41H जो है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है फैक्ट्री एक्ट के अंदर चैप्टर 4A में हैजर्डस प्रोसेस ओरिएंटेड। अभी हमने लेजिस्लेशन के रेफरेंसेस पढ़े, जो मेन रेफरेंसेस थे फैक्ट्री एक्ट को रिलेटेड। अभी यहाँ पे जो मेजर एक्सीडेंट हजार्ड कंट्रोल सिस्टम है तो उसके लिए इनिशिएटिव कौन लेता है, तो उसके लिए इनिशिएटिव लेता है डीजी फासली, और डीजी फासली के अंदर जो मेजर एक्सीडेंट हजार्ड के सिस्टम्स है, जो कंट्रोलिंग सिस्टम्स है इंडिया के, वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए टेक्निकल कोऑपरेशन और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी यहाँ पे मिल सकता है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन थ्रू, और फिर यहाँ पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे या नेशनल लेवल पे डीजी फासली आपको यहाँ पे स्टडी करके बताएगा, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर
एंड एम्प्लॉयमेंट थ्रू नोटिफिकेशन मिल सकता है या फिर गैजेट पब्लिश हो सकता है कि यहाँ पे मेजर एक्सीडेंट 1000 कंट्रोल सिस्टम्स ये है और उसके ओरिएंटेड आपको ये गाइडलाइंस प्रोवाइड किए, तो ये आपको फॉलो करना है। अभी ये जो MAHC स्टार्ट हुआ है उसका इनिशिएशन, ये कुछ मेजर एक्सीडेंट जब हुए थे वर्ल्ड वाइड, उसके बाद में ये एक्चुअली मेजर एक्सीडेंट हजार्ड कंट्रोल का कंसेप्ट आया है और उसके बाद में फिर ये सीमा रूल या फिर जो फैक्ट्री एक्ट में स्पेसिफिक हजार्डस प्रोसेस है या फिर जो MSIIC के कुछ स्पेसिफिक रूल्स है उसके बारे में फोकस हुआ है, उसमें अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो जैसे यहाँ पे फेज इन फ्रांस में ये 1966 में एक्सीडेंट हुआ है जहां पे ब्लेव यानी कि बॉइलिंग लिक्विड एक्सपांशन हुआ, जो वेपर एक्सप्लोजन हुआ था LPG की वजह से, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की वजह से, और यहाँ पे 18 फैटलिटीज हुई थी। उसके बाद में फ्लिक्स बोरो यूके में 1974 में UVCV एक्सप्लोजन था यानी कि अनकन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन साइक्लोहेक्सेन की वजह से, यहाँ पे 51 फैटलिटीज हुई थी। मेक्सिको सिटीज में जो 1966 में हुआ था यहाँ पर भी LPG ब्लेव था, 500 फैटलिटीज हुई थी। भोपाल में 1984 में जो मिथिल आइसोसाइनेट है उसका रिलीज होने की वजह से 3400 यहाँ पे फैटलिटीज हो चुकी थी। और फिर पैसेडेना USA में 1984 23 UVC आइसोब्यूटेन और वीजा इंडिया 1998 58 फैटलिटीज हुई थी LPG VC। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि अगर LPG यहाँ पे मेजर मटेरियल है या फिर साइक्लोहेक्सेन मटेरियल या MIC और आइसोब्यूटेन मटेरियल है, तो यहाँ पे टॉक्सिक केमिकल, पॉइजनस केमिकल, हजार्डस केमिकल और उसमें से कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस भी यहाँ पे हो सकते हैं जिनको कंट्रोल करना जरूरी है। जैसे यहाँ पे LPG और LPG ये रिपीटेशन होते हुए दिखाई देता है, यानी कि LPG का स्टोरेज, हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलाइजेशन, एप्लीकेशंस, इसका मेन फोकस होना चाहिए ये एक्सीडेंट्स के बाद में। और इसीलिए जब भी आप बात करेंगे तो ये मेजर एक्सीडेंट्स का पहले आपको केस स्टडी करना पड़ता है और उसके बाद में जो सिमिलर अगर यहाँ पे आपकी सिचुएशन होगी तो वो सिमिलर सिचुएशन हैंडल करने के लिए वो केस स्टडीज का आपको सपोर्ट मिलेगा। तो ये केस स्टडीज ऑलरेडी हमने डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। तो ये जो एक्सीडेंट्स थे ये एक्सीडेंट्स के बेसिस पे ही बाद में ये MAH यूनिट और MAH कंट्रोल सिस्टम्स यहाँ पे हो चुके। तो यही शॉर्ट में बताया है कि फेज इन फ्रांस में ये इतने इंजुरीज और इतने फैटलिटीज हो गए थे और इसका मेन रीजन था प्रोपेन। ये फ्लिक्स बोरो का जो हमने देखा था साइक्लोहेक्सेन और 32 टन्स ट्राइनाइट्रोट्यूलिन इक्विवेलेंट ये इतना साइक्लोहेक्सेन था और 125 मीटर्स तक इसका लीथल रेडियस था, यानी कि यहाँ पे फैटलिटी होने के चांसेस 125 मीटर्स के रेडियस में थी। कैजुअलिटी यहाँ पे 28 थी और उस टाइम का ये 1854 करोड़ का मेजर लॉस था। भोपाल में जो हमने देखा था यहाँ पे 1984 MIC रिलीज की वजह से मोर देन 3000 पीपल्स का फैटलिटी हुआ था। उसके बाद में है ये मेक्सिको का ये ब्लेव LPG की केस थी और उसकी वजह से मोर देन $100 मिलियन का लॉस था और फैटलिटीज थी। ये भी फिलिप्स पैसेडेना टेक्सास का एग्जांपल था जिसमें वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन और $500 मिलियन का लॉस था। और उसके अलावा जो 98 में जो वीजा में हुए और इसके बाद में भी बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट हो चुके हैं जो आपको कुछ ना कुछ लर्निंग्स देते हैं जिसकी बेसिस पे आपको वहां से कुछ सीखना चाहिए। सिमिलर अगर आपके यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स होंगे तो वो करना चाहिए। उसके अलावा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करके आपको मेजर एक्सीडेंट होने से आपको प्रोटेक्ट करना है, अवॉइड करना है, उसके लिए आपको ये सिमिलर स्टडीज करनी चाहिए। जैसे ये आप केमिकल एक्सीडेंट ओरिएंटेड आपको ये स्पेसिफिक डेटा है क्योंकि मेजर एक्सीडेंट्स में मेजरली केमिकल ओरिएंटेड ही यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं जिसकी वजह से मेजर एक्सीडेंट्स का डेटा में केमिकल एक्सीडेंट का मेजर रोल आता है। जैसे यहाँ पे टोलियन फायर है, ये इंडिया की बात कर रहे हैं, बेंजीन फायर है अहमदाबाद में, क्लोरीन लीक है तमिलनाडु में या फिर हेक्सेन रिलीज है और फायर है डोंबिवली में। उसके बाद में जो स्लरी सेटलर का एक्सप्लोजन हुआ था वडोदरा में या फिर ड्रायर रूम का फायर कैच हुआ था जो पंजाब में और जो एक्सप्लोजन हुआ था केकुले फार्मा में और फिर क्लोरीन रिलीज हुआ था PW प्रीमाइसिस में। तो ये अलग अलग
जो एक्सीडेंट्स है, तो ये नियर अबाउट 2004 वाले सभी एक्सीडेंट्स है। तो ऐसे डेटा अगर आप अभी का लेटेस्ट डेटा देखेंगे तो उसमें भी आपको मैक्सिमम केस में ये अलग अलग केमिकल्स आपको दिखाई देंगे, और ये अलग अलग स्पेसिफिक केमिकल्स है जिनका आपने अगर MSDS स्टडी किया तो आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी ये सभी बातें यहाँ पे डिफाइन की है लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर रहे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि अगर कोई यहाँ पे टोल्यून बेंजीन क्लोरीन हेक्सेन के अगर देखेंगे तो मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी है, उसमें मॉडिफिकेशन भी हो चुके हैं, उसमें कुछ चेंजेस भी हो चुके हैं, लेकिन MSDS के ओरिएंटेड हम वो स्टोरेज फैसिलिटीज या जो हैंडलिंग के कुछ प्रोसीजर्स है या फिर ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसीजर्स है या फिर जो पाइपलाइंस या जो फिटिंग्स है उसके ओरिएंटेड कुछ डिजाइन कैलकुलेशंस और गाइडलाइंस है उसको हम फॉलो नहीं कर रहे, इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो भी एक्टिविटीज होंगी तो यहाँ पे आपको TG फास्टली और ILO ने डिफाइन किया है, तो ये मेजर एक्सीडेंट हजार्ड कंट्रोल को अगर आपको सिस्टम सेट करना है तो उसके लिए उन्होंने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर MSIC 1989 जो बनाया था उसमें स्पेसिफिक गाइडलाइन दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि MAH यूनिट स्पेशली डिफाइन होना चाहिए, और उसके बाद में अभी हम MAH यूनिट स्पेशली डिफाइन करने लगे। तो ये MAH यूनिट एग्जैक्टली क्या होता है, फिर उसके लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए, MSIC रूल का उसमें एग्जैक्ट रोल क्या है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज थी जिसमें स्पेशली MAH ओरिएंटेड फोकस था जो गवर्नमेंट ने इनिशिएशन लिया था, तो उसमें DG फास्टली का मेन रोल था। तो एम्प्लॉय ने क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयर ने क्या करना चाहिए, एम्प्लॉय की एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स है और एम्प्लॉयर की क्या प्रॉब्लम्स है, ये सभी बातें उन्होंने पहले सुन ली, उसके बाद में उन्होंने मेजर एक्सीडेंट हजार्ड कंट्रोल जो एडवाइजर डिवीजन है सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट मुंबई में, तो CLI मुंबई में ये डिस्कशन होके उन्होंने कुछ गाइडलाइंस वहां पे फॉलो किए। तो ये फाइनलाइज करने के बाद ये MAH यूनिट एग्जैक्ट क्या है, MAH इंस्टॉलेशंस क्या है और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम कैसे रेफर करेंगे, ये अभी हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने कुछ जो मेजर एक्सीडेंट ओरिएंटेड जो फैक्ट्रीज थी उनकी उन्होंने इंस्पेक्शन की पहले, और इंस्पेक्शन के बाद में उन्होंने फाइनलाइज किया कि किस यूनिट्स को हम MAH यूनिट कह सकते हैं। तो फिर उसमें स्पेशली कुछ चेकलिस्ट बनाई गई और फिर ये MAH इंस्टॉलेशंस जिसको हम कहते हैं MAH यूनिट, तो ये इंपॉर्टेंटली स्पेशली फॉर द केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में ही देखा गया, और फिर वहां पे चेक किया कि जो भी हम पैरामीटर्स आपको देखना चाहिए उसमें से स्पेसिफिक पैरामीटर्स है हजार्डस केमिकल्स की क्वांटिटी, या फिर जो इंस्टॉलेशंस है साइट पे वो नंबर ऑफ इंस्टॉलेशंस कितने हैं, उसके नियर बाय जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, उसके बाद में जो वल्नरेबल आइटम्स है जैसे कि स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, रेलवे स्टेशन है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, ये सभी आइटम्स के बारे में भी आपको सोचना होगा, क्योंकि इनकेस अगर ये हजार्डस केमिकल या हजार्डस प्रोसेस की वजह से मेजर एक्सीडेंट होता है तो इन पे इंपैक्ट हो सकता है अगर ये आपके इंडस्ट्री के नियर बाय होंगे। तो ये अगर आपके इंडस्ट्री के नियर बाय होंगे और वहां पे जो लिथल रेडियस हम जिसको कहते हैं ये रेडियस अगर ये हायर साइड में रहेगी और वो रेडियस में अगर ये आएंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैटलिटीज बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ये जो स्कूल्स हॉस्पिटल रेलवे स्टेशन या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स रहते हैं इनको स्पेशल कोई ट्रेनिंग होती नहीं है और यहाँ पे कुछ स्पेशल गाइडलाइंस भी नहीं होते, स्पेशली मेजर एक्सीडेंट ओरिएंटेड यहाँ पे कुछ सोचने का काम भी नहीं रहता, क्योंकि स्कूल्स में जो नॉर्मल एक्टिविटीज रहते उसके अलावा अगर एक्सीडेंट होता है नियर बाय इंडस्ट्री में तो उसको टैकल कैसे करने के लिए इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग या स्पेशल ट्रेनर वहां पे होते ही नहीं है, क्योंकि वो उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि आपने स्पेसिफिक इंडस्ट्री में क्या करना चाहिए, ये तो सोचना ही है, उसके अलावा नियर बाय इंडस्ट्री में भी क्या है उसके लिए भी आपको ये सोचना पड़ेगा, और ये सब कंसर्न लेके फिर उन्होंने कुछ गाइडलाइंस बनाए थे। तो जैसे अभी हमने बात की थी MSIC रूल, फिर उसके बाद में उन्होंने स्पेसिफिक बनाया था सीमा रूल, और फिर वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट थ्रू उन्होंने वो पब्लिश किया जो स्पेसिफिक पॉलिसी क्या होनी चाहिए, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, और फिर बाद में उन्होंने स्पेसिफिक डॉक वर्कर ओरिएंटेड भी
यहाँ पे एक्ट देखा था और फिर उसके ओरिएंटेड भी कनेक्शन लगाया था कि एमएसआईसी रूल का कुछ रूल आपको यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि डॉक में डॉक पर भी यहाँ पे मेजर एक्सीडेंट होने के चांसेस है। जैसे अभी लास्ट ईयर ही यहाँ पे एक कंट्री में यहाँ पे डॉक पे मेजर एक्सीडेंट हुआ था, जहां पे बहुत सारे फैटलिटीज हुई थी। तो ये भी उन्होंने उसी टाइम सोचा था कि यहाँ पे डॉक पे भी मेजर एक्सीडेंट होने के चांसेस है, या जो पोर्ट्स होंगे वहां पर मेजर एक्सीडेंट होने के चांसेस है, क्योंकि वहां पे लार्ज क्वांटिटी में हम हजार्डस केमिकल्स स्टोर करते हैं। तो ये जो हजार्डस केमिकल्स हैं, तो उसको स्टोरेज के लिए या फिर उसकी जो टाइम ऑफ एक्सपोजर है या फिर जो बाकी की प्रोविजन है, जैसे डायरेक्ट सनलाइट वहां पे हो सकता है या फिर टेम्परेचर भी बहुत कम होगा, या फिर जो इलेक्ट्रिक लाइन्स है, इलेक्ट्रिक हजार्ड से, या फिर हैंडलिंग प्रोसीजर से, या क्रेन्स आप फॉलो करते हैं, तो ये बहुत सारे चीज है जिसके लिए आपको स्पेसिफिक गाइडलाइंस बनानी पड़ेगी। तो डॉक ओरिएंटेड भी आपको कुछ मेजर एक्सीडेंट्स और मेजर पोर्ट्स के लिए भी आपको यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस का लिंक उन्होंने दिया था, ये सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट ने फाइनलाइज किया था। अभी ये जो प्रोसेस चल रही थी, तो यहाँ पे कुछ उन्होंने स्पेसिफिक बातें कही थी, जैसे ये सीमा रोल बनने के बाद आपको जो इंफॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज करना होगा, उसके बाद में आपको स्टेट गवर्नमेंट का जो भी एनफोर्समेंट होगा उसका यूटिलाइजेशन करना होगा, उसके लिए स्पेसिफिक आपको चेकलिस्ट बनानी होगी, कुछ सेमिनार्स लेने होंगे, कुछ ट्रेनिंग्स लेने होंगे, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम लेने होंगे, और फिर उसके बाद में जब अवेयरनेस आ जाएंगे उसके बाद में कुछ सेफ्टी ऑडिट्स, हैज़ॉप हज़ार्ड ऑपरेटेबिलिटी स्टडी और इम्पैक्ट असेसमेंट, ये सभी बातें आपको करनी होगी। तो ये सभी बातें यहाँ पे कंपलसरी कर दिया, और उसके बाद में ये रूल्स अगर आपके यूनिट को एप्लीकेबल है तो ये सभी बातें आपको करनी होगी। तो इसके लिए कुछ डेटा है, उन्होंने स्पेसिफिक डेटा जो इंस्पेक्ट किया था, ये एमएच एक्टिविटीज जो फैक्ट्रीज में होती है उनका यहाँ पे नंबर जो है उससे भी पता चलेगा आपको, ये 2004 का है, आपको अभी लेटेस्ट का नंबर आपको देखना होगा। तो इतने नंबर ऑफ रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज थी और उसमें से सिर्फ एमएच यूनिट नहीं थे, तो ये एमएच यूनिट अभी बढ़ गए, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में यहाँ पे हजार्डस प्रोसेस, हजार्डस केमिकल्स हम हैंडल कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स जो है, स्पेशली हम एमएच यूनिट बात कर रहे हैं, तो ये मेजर एक्सीडेंट हजार्ड यूनिट्स आपको आइडेंटिफाई करके सबसे इंपॉर्टेंट उस पे फोकस करना होगा, क्योंकि इसमें से फैटलिटीज होने के चांसेस हायर साइड में है। तो इस यूनिट्स को आपने अगर कंट्रोल किया तो आपका मेन जो कंट्रोल है एज अ एक्सीडेंट प्रिवेंशन प्रोग्राम वो आपका हो सकता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक जो अभी हमने बात की थी जो एमएसआईसी रूल के, तो एमएसआईसी रूल भी आपको यहाँ पे पढ़ना होगा, जो स्पेशली हजार्डस प्रोसेस ओरिएंटेड है या फिर मेजर एक्सीडेंट हजार्डस ओरिएंटेड। तो इसमें शेड्यूल 4 और शेड्यूल 4 की एक्टिविटी, जैसे यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो ऑपरेशन और प्रोसेस है जहां पे हजार्डस केमिकल्स इन्वॉल्व है, तो ऐसे जो ऑपरेशन या प्रोसेस है वो शेड्यूल 4 में एमएसआईसी के दिया है, तो शेड्यूल 4 आपको पढ़ना होगा। उसके अलावा जो अभी हमने बात की थी, जो भी आप केमिकल्स यूज कर रहे हैं, तो हजार्डस केमिकल कैटेगरीज अगर आपके पास है तो उसका थ्रेशोल्ड क्वांटिटी कितना होना चाहिए, वो आइसोलेटेड स्टोरेज प्रोविजन क्या होनी चाहिए, ये शेड्यूल 2 में डिफाइन की है, और जो पाइपलाइन ओरिएंटेड गाइडलाइंस है वो भी स्पेसिफिक यहाँ पे एमएसआईसी रूल में दी है। तो ये जो हमने पहले ही कहा था कि जो स्पेसिफिक लोकेशन होगा जहां पर ये हजार्डस केमिकल्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे, स्टोर कर रहे, हैंडल कर रहे या फिर कुछ एप्लीकेशन या डिस्पोज ऑफ एक्टिविटीज हैं, तो वो लोकेशन को हम साइट कहेंगे। तो ये हजार्डस केमिकल ओरिएंटेड शेड्यूल्स है और उसमें स्पेसिफिक गाइडलाइंस है, ये ऑलरेडी अभी हमने एमएसआईसी 1989 के प्रेजेंटेशन में डिटेल में पढ़ा है, यहाँ पे मैं अभी शॉर्ट में डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि शेड्यूल 1 जो है, तो शेड्यूल 1 में केमिकल्स जो है वो केमिकल्स के डिटेल्स दिए जहां पे लिस्ट आउट किया है, और ये पार्ट 1 में शेड्यूल 1 में लिस्ट किया है, पार्ट 2 में भी शेड्यूल 1 में लिस्ट आउट किया है, और उसके बाद में शेड्यूल 2 में कॉलम 2 और शेड्यूल 3 में कॉलम 2 में भी केमिकल की लिस्टिंग की। तो ये नंबर ऑफ केमिकल्स, उसकी थ्रेशोल्ड क्वांटिटी, मैक्सिमम परमिसिबल जो स्टोरेज के लिए क्वांटिटी होगी या फिर हैंडलिंग के लिए क्वांटिटी होगी,
उसके लिए यहाँ पे गाइडलाइंस दिए हैं MSIC रूल शेड्यूल 1, 2, 3 में। जैसे कि यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि शेड्यूल 1 में पार्ट 1 में बायफर्केशन क्या है कि जो हजार्डस केमिकल्स है वो हजार्डस केमिकल्स टॉक्सिक केमिकल्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे सब कैटेगराइजेशन है एक्सट्रीमली टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक या टॉक्सिक, या फिर फ्लेमेबल केमिकल्स, उसमें भी 5 कैटेगरीज है, और एक्सप्लोसिव केमिकल्स। तो ये टॉक्सिक, फ्लेमेबिलिटी या एक्सप्लोसिविटी, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ऐसे जो केमिकल्स हैं उनका स्पेसिफिक लिस्टिंग यहाँ पे पार्ट 1 शेड्यूल 1 में किया है। पार्ट 2 में 684 केमिकल्स वहां पे मेंशन किए हैं, और उसकी जो थ्रेशोल्ड क्वांटिटी भी वो भी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स में मेंशन की गई। शेड्यूल 2 में नियर अबाउट 30 केमिकल्स यहाँ पे स्पेशल केमिकल्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, और उसकी भी थ्रेशोल्ड क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन की। शेड्यूल 3 में पार्ट 1 में 179 केमिकल्स लिस्टिंग किए हैं विद थ्रेशोल्ड क्वांटिटी, और उसमें भी स्पेसिफिक जो कैटेगरीज है, G1 है टॉक्सिक सब्सटेंसेस लो थ्रेशोल्ड क्वांटिटी वाले, G2 टॉक्सिक सब्सटेंसेस हाई थ्रेशोल्ड क्वांटिटी, G3 है हाईली रिएक्टिव सब्सटेंसेस, और G4 है एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस। तो ये नाम से आपको पता चलता है कि ये सभी हजार्डस केमिकल्स है, और उसके ओरिएंटेड हजार्डस प्रोसेस होगी, और इसीलिए हम MH यूनिट के अंदर ये सब आने वाले, इसीलिए आपको MSIC के जो अलग अलग शेड्यूल से उसको आपको रेफर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ये पार्ट 2 बी फ्लेमेबल केमिकल, जिसकी हमने अभी बात की थी कि इसमें अलग अलग क्लासेस हैं, तो ये फ्लेमेबल सब्सटेंसेस में G5 के अंदर क्लासेस है फ्लेमेबल गैसेस, एक्सट्रीमली फ्लेमेबल लिक्विड्स, वेरी हाईली फ्लेमेबल लिक्विड्स, हाईली फ्लेमेबल लिक्विड्स, हाईली फ्लेमेबल लिक्विड्स अंडर प्रेशर, और फ्लेमेबल लिक्विड्स। तो इसमें अगर आप ठीक तरह से देखेंगे, जैसे अभी ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया था, तो ये फ्लेमेबल गैस कैटेगरी क्या है, अगर ये 20 डिग्री सेल्सियस पे इग्नाइट होता है विथ एयर, और यहाँ पे उसका जो रेंज है अगर ये लेस देन और इक्वल टू 13% होगा एयर के साथ, और उसका अगर आपने देखा है तो कुछ केमिकल्स ऐसे है जिनका मोर देन और इक्वल टू 12% अगर मिक्सचर में परसेंटेज होगा तो वो वहां पे फायर कैच कर सकते हैं, इसलिए ये फ्लेमेबल गैसेस कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जांपल जैसे एथिलीन ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, मीथेन है, एटसेट्रा। उसी हिसाब से एक्सट्रीमली फ्लेमेबल लिक्विड से, तो यहाँ पे ये जो फ्लैश पॉइंट है लेस देन 23 डिग्री सेल्सियस है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस है, एसिटाल्डिहाइड, आइसोपेंटेन जैसे एग्जाम्पल्स। वेरी हाईली फ्लेमेबल लिक्विड्स कहाँ पे है, तो यहाँ पे फ्लैश पॉइंट तो सिमिलर है 23 डिग्री सेल्सियस का रेंज, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे हाइयर है 35 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ये जो लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट था, तो उसकी जगह अभी यहाँ पे ग्रेटर देन 35 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे एसीएन, एसीटोन जैसे एग्जांपल्स है। हाईली फ्लेमेबल लिक्विड्स में अभी यहाँ पे फ्लैश पॉइंट का रेंज चेंज हो चुका है लेस देन और इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस बट ग्रेटर देन 23, यानी कि जो ये कैटेगरी में नहीं आएंगे वो केमिकल्स ये कैटेगरी में आएगा जो मोर देन 23 डिग्री सेल्सियस का फ्लैश पॉइंट रखते हैं और लेस देन 60 डिग्री सेल्सियस का। तो उसमें स्टायरीन, फॉर्मिक एसिड, ब्यूटेनॉल जैसे केमिकल्स हैं, और कुछ केमिकल जो अंडर प्रेशर होते हैं, हाईली फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं लेकिन अंडर प्रेशर। तो यहाँ पर जैसे कुछ केमिकल्स की रिक्वायरमेंट ही वैसी होती है कि आपको अंडर प्रेशर वो लिक्विड को रखना है और उसके बाद में वो गैसेस में कन्वर्ट हो सकते हैं। फिर है फ्लेमेबल लिक्विड्स जो फ्लैश पॉइंट मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि यहाँ पे ये लेस देन कैटेगरी वाला था, अभी ये ग्रेटर देन 60 डिग्री सेल्सियस है और लेस देन 90 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें फिनॉल, बेंजीन, क्लोराइड एटसेट्रा कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये फ्लेमेबल केमिकल्स के कैटेगरीज है, उसमें स्पेसिफिक फ्लेमेबल सब्सटेंसेस और उसमें सब क्लासेस 6 थे। तो अभी हम ये हजार्डस प्रोसेस, हजार्डस केमिकल्स, उसके ओरिएंटेड एक्चुअली स्ट्रेटजीज क्या क्या डिसाइड हो चुकी है, और यहाँ पे अभी तक जो MSIC रूल है या फिर जो फैक्ट्री एक्ट है या फिर सीमा रूल है उसके ओरिएंटेड अभी हमने बात की। तो अभी मेजर एक्सीडेंट एग्जैक्टली कैसे डिफाइन होता है, तो मेजर एक्सीडेंट का डेफिनेशन ऐसा है कि जहां पर मेजर लॉस है या फिर डेथ होती है या फिर 10 और मोर इंजुरीज होती है या फिर वहां पे टॉक्सिक केमिकल्स का रिलीज होता है या फिर फायर होता है, एक्सप्लोजन होता है या फिर हजार्डस केमिकल का स्पिलेज होता है, तो ये जो भी एक्टिविटी होगी अगर ये हो सकती है साइट पे या ऑफ साइट, क्योंकि अगर टैंकर्स,
से या फिर कहीं ट्रांसपोर्टेशन मीडिया थ्रू भी आप ये हैजर्डस केमिकल्स अगर हैंडल करते होंगे, और वहां पे अगर ये ऐसा कुछ हुआ जैसे कि लीकेज होता है या फिर एक्सीडेंट की वजह से एक्सप्लोजन हो सकता है, फायर कैच होता है, तो चाहे ये ऑन साइट एक्टिविटी रहो या फिर ऑफ साइट एक्टिविटी रहो, अगर ये एक्सीडेंट की वजह से मेजर डैमेज होता है या फैटलिटीज होती है या फिर इसमें से कुछ भी इशू होता है जैसे कि फायर या एक्सप्लोजन या रिलीज, तो उसको हम मेजर एक्सीडेंट कहते हैं। क्योंकि इस एक्टिविटी की वजह से एनवायरमेंट पे भी इंपैक्ट होने वाला है और कुछ केसेस में इंजुरीज या फैटलिटीज भी होने के चांसेस है। तो यह है मेजर एक्सीडेंट का डेफिनेशन। तो मेजर एक्सीडेंट होने के चांसेस जहां पर है उसको हम एमएच इंस्टॉलेशन या एमएच यूनिट कहेंगे। तो ये एमएच यूनिट का रेफरेंस कहां से मिलेगा, तो जो आइसोलेटेड स्टोरेज के बारे में अभी हमने बात की थी जो एमएसआईएससी रूल में भी था, तो यहाँ पे हजार्डस केमिकल्स जो है उसकी जो थ्रेशोल्ड क्वांटिटी है वो आपको चेक करना होगा। अगर वो थ्रेशोल्ड क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी में आप अलग अलग केमिकल्स यूटिलाइज करते होंगे तो हम उसको एमएच यूनिट कह सकते हैं। तो इसके लिए आपको कॉलम 3 शेड्यूल 2 और 3 आपको रेफर करना होगा और उसमें से जो केमिकल्स की लिस्टिंग दी है हजार्डस केमिकल्स की उसकी थ्रेशोल्ड क्वांटिटी चेक करनी होगी और उसके बेसिस पे भी आप एमएच यूनिट डिफाइन कर सकते हैं। अगर एमएसआईएससी रूल में देखेंगे तो एमएच ओरिएंटेड जो गाइडलाइंस है उसमें है रूल 4 जो जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑक्यूपायर है। जैसे अभी हमने देखा था जो जनरल ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर देखा था फैक्ट्री एक्ट में देखा था, तो फैक्ट्री एक्ट 1948 में भी ये गाइडलाइंस है सेक्शन 7A में और यहाँ पे एमएसआईएससी रूल में रूल 4 में भी है, तो ये आपको दोनों भी एप्लीकेबल है। उसके अलावा जो मेजर एक्सीडेंट ओरिएंटेड नोटिफिकेशंस होता है उसकी जो इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है वो रूल 5 में गाइडलाइन दी है। रूल 6 में आपको जो डिटेल्स है जो एमएच यूनिट ओरिएंटेड उसके जो एप्लीकेशंस में डिटेल्स आपको भरना पड़ते हैं तो उसके डिटेल्स आपको रूल 6 के हिसाब से देने हैं। उसके बाद में जो नोटिफिकेशन होता है जो साइट अप्रूव आपको करके लेनी है या फिर साइट में अगर कुछ चेंज किया आपने, एक्सपांशन किया, मॉडिफिकेशन किया है तो उसके लिए भी आपको नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, या फिर अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए भी आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो ये रूल 7, 8, 9 में ये गाइडलाइंस दिए। रूल 10, 11, 12 जो है वो स्पेसिफिकली सेफ्टी रिपोर्ट ओरिएंटेड और सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट ओरिएंटेड है। तो आपको जो भी आपने आपकी एमएच यूनिट या इंस्टॉलेशन होगा उसके रिलेटेड जो भी आपने ऑडिट किए होंगे तो ऑडिट के बाद में आपको रिपोर्ट डिटेल में बनाना है, उसको हम सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट्स कहेंगे। और ऑडिट के पहले या फिर उसके रिलेटेड इंस्पेक्शंस जो होते हैं या फिर चेकलिस्ट आप क्रॉस करते हैं उसके ओरिएंटेड भी अगर कुछ सेफ्टी इश्यूज होंगे तो उसके ओरिएंटेड भी आपको सेपरेट रिपोर्ट बना सकते हैं, उसको हम सेफ्टी रिपोर्ट्स कहते हैं। तो ये सेफ्टी रिपोर्ट्स में अगर आपको कुछ अपडेट करना है तो ये भी आप रोल नंबर 10 के हिसाब से कर सकते हैं और फिर उसमें डिटेल इंफॉर्मेशन आपको देनी है कि इसमें जो रिपोर्ट्स हमने बनाए हैं इसकी ऑथोरिटी कौन थी, कौन कौन यहाँ पे इन्वॉल्व थे, कब ये इंस्पेक्शन हुआ या फिर कब ये ऑडिट हुआ था और इसका जो मेजर कंक्लूजन है वो एग्जैक्टली क्या है, और फिर उसके बाद में करेक्टिव एक्शंस और प्रिवेंटिव एक्शंस आप बता सकते हैं। रूल 13 जो है एमएसआईएससी का उसमें है मेनली ऑन साइट इमरजेंसी प्लानिंग की गाइडलाइंस, और जो रूल 14 है उसमें है ऑफ साइट इमरजेंसी प्लानिंग की गाइडलाइंस। यानी कि मेजर एक्सीडेंट हजार्ड यूनिट जो है तो एमएच यूनिट के लिए आपको एमएसआईएससी के ये एटलीस्ट इतने के आपको जो रूल्स है वो रेफर करने हैं और उसके अलावा भी कुछ एडिशनल रूल्स है वो भी आपको एडिशनल रेफर करने हैं, लेकिन ये मिनिमम आपको रूल्स क्यों रेफर करना है इसका बैकग्राउंड आपको पता चल रहा है। जैसे यहाँ पे हमने एक्सीडेंट की बात की थी, अगर एक्सीडेंट साइट पे होता है तो उसके लिए इमरजेंसी प्लानिंग क्या होना चाहिए, अगर ये ऑफ साइट होता है, ऑन द रोड होता है या नियर बाय इंडस्ट्री होता है तो वहां पर भी इमरजेंसी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए एमएसआईएससी रूल्स में कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, ये भी आपको यहाँ पे स्टडी करना होगा। उसके अलावा है रूल 15, यहाँ पर ये बताता है कि जो इंफॉर्मेशन है जो पर्संस जो मेजर एक्सीडेंट की वजह से अफेक्ट हो सकते हैं वो लोगों को पहले इंफॉर्मेशन देना होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप जो भी थ्रेशोल्ड क्वांटिटी है केमिकल्स का उसकी वजह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं
इसका इफेक्ट किस पेरिफेरी में हो सकता है, या फिर उसका रेडियस क्या हो सकता है, या फिर उसका जो लीथल रेडियस है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर जो नियर बाय पर्सन यहाँ पे रहेंगे, फैक्ट्री के पर्सन तो वहां पे रहने ही वाले हैं, उसके अलावा भी जो बाकी के पर्सन यहाँ पे अफेक्ट कर सकते हैं, तो उनको भी आपको इन्फॉर्मेशन देना होगी कि हमारे इंडस्ट्रीज में ये हजार्डस केमिकल्स हम हैंडल कर रहे हैं, इस क्वांटिटी में हैंडल कर रहे हैं, इसका ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी वजह से फायर या एक्सप्लोजन या टॉक्सिक रिलीज या पॉइजनस कैटेगरी ये आपको यहाँ पे पॉसिबल है, और जिसकी वजह से यहाँ पे आपके हेल्थ पे ये इम्पैक्ट हो सकता है। ये सभी इंफॉर्मेशन आपको जो पर्सन जिन पे ये मेजर एक्सीडेंट की वजह से अफेक्ट हो सकता है उनको बतानी चाहिए। रूल 16 कहता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन ये आपको डायरेक्टली डिस्क्लोज करनी चाहिए। यहाँ पर ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी कि स्पेसिफिक लोगों को आपको बताना है जिसपे इम्पैक्ट होने वाला है। अभी जिनको इम्पैक्ट नहीं होने वाला है उनको भी ये इन्फॉर्मेशन बताना जरूरी क्यों है, क्योंकि कुछ लोग विजिटर्स होते हैं, कुछ लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्टर होते हैं, कुछ जो ट्रक्स या ड्राइवर्स जो है वो कभी कभार आते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर में से भी कुछ पर्सन कभी आते हैं, और उनको भी ये इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना ही, तो ये रूल 16 के हिसाब से। रूल 17 जो कहता है ये स्पेसिफिक गाइडलाइन से कलेक्शंस जो हजार्डस केमिकल से उसका डेवलपमेंट उसका डिसिमिनेशन वो सभी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी है। तो इसके लिए जो रूल 17 है नॉर्मली हम इसको महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल 1963 के हिसाब से इनडायरेक्टली इसको हम MSDS कहते हैं, यानी कि मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट। अगर हम MFR रेफर करेंगे महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल 1963 और उसमें रूल नंबर 73M हम रेफर करेंगे, तो ये जनरल रूल है सभी केमिकल्स के लिए आपको मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट प्रिपेयर करना है। अभी ये जनरल बात कही गई है ओवरऑल केमिकल्स के लिए, अभी ये स्पेसिफिक बात है हजार्डस केमिकल्स के बारे में, तो हजार्डस केमिकल्स के लिए नेसेसरी है, ये कंपलसरी है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये डिटेल अगर आप देखेंगे तो MFR 1963-73M के गाइडलाइंस और यहाँ पे रूल नंबर 17 MSIC गाइडलाइन नियर अबाउट सेम। फिर है रूल नंबर 18 जो हजार्डस केमिकल इम्पोर्ट के बारे में गाइडलाइंस बताता है, और जो रूल नंबर 19 है वो नोटिसेस जो हम बताते हैं उसमें अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट करना है उसके बारे में गाइडलाइंस बताता है, और 20 रूल ऐसा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटीज या पावर्स है वो आपके जो शेड्यूल्स है उसमें या फिर जो गाइडलाइंस है उसमें कभी भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो जैसे जैसे अलग अलग एक्सीडेंट्स के केसेस होते हैं या इंसिडेंट्स होते हैं या नियर मिस होते हैं या फिर केमिकल्स में भी कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं या फिर कुछ केमिकल्स में कुछ चेंजेस आते हैं या फिर न्यू केमिकल्स आते हैं या न्यू प्रोसेस आती है, तो उसमें जो भी चेंजेस होंगे उसकी वजह से अगर आपको लगता है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि आपको ये शेड्यूल्स में या जो केमिकल्स की लिस्टिंग है या फिर केमिकल्स की जो थ्रेशोल्ड क्वांटिटी है उसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो गाइडलाइंस में या शेड्यूल्स में या फिर पैरामीटर्स में वो चेंजेस कर सकते हैं। तो ये मेजर आपको MSIC के रूल रेफर करना है मेजर एक्सीडेंट हजार्ड ओरिएंटेड। अभी आपके यूनिट को यानी कि MH यूनिट अगर यहाँ पे डिफाइन होता है तो MSIC रूल एग्जैक्ट क्या एप्लीकेबल है ये शॉर्ट में बताया गया है यहाँ पर टेबल थ्रू, जिससे आपको यहाँ पे पता चलता है कि शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 ये मेनली एप्लीकेबल है। तो शेड्यूल 1 में क्या है लिस्ट ऑफ हजार्डस केमिकल्स, उसमें स्पेसिफिक दिया है टॉक्सिक केमिकल्स कैटेगरी फ्लेमेबल्स और एक्सप्लोसिव, और इसके साथ यहाँ पे 684 हजार्डस केमिकल्स की लिस्ट भी दी है। तो ये इसका रेफरेंस अगर हम देखेंगे तो ये शेड्यूल 1 के हिसाब से है, लेकिन रूल नंबर देखेंगे तो रूल नंबर 4, 5, 17 और 18 के ओरिएंटेड ये शेड्यूल 1 है। अगर हम शेड्यूल 2 देखेंगे तो यहाँ पे स्टोरेज के गाइडलाइंस है, जैसे आइसोलेटेड स्टोरेज है तो यहाँ पे स्टोरेज के लिए 24 हजार्डस केमिकल्स लिस्ट आउट किए हैं और उसमें कुछ स्पेसिफिक 6 क्लासेस भी यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं, उसकी थ्रेशोल्ड क्वांटिटी यहाँ पे डिफाइन किए हैं जो कॉलम 3 और कॉलम 4 में है शेड्यूल 2 के, और यहाँ पे जो शेड्यूल 2 और 3 है उसका मेन रेफरेंस ये रूल नंबर 4, 5, 7, 9 और 15, 17 और 18 है। उसके अलावा जो शेड्यूल 3 अगर आपका हजार्डस प्रोसेस है मेनली
या फिर पाइपलाइन ओरिएंटेड हजार्डस प्रोसेस हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, तो आपको रेफर करना है शेड्यूल 3 179 हजार्डस केमिकल्स, और उसमें जो 5 क्लासेस दिए हैं, और उसमें स्पेसिफिकली थ्रेशोल्ड क्वांटिटी ओरिएंटेड कॉलम 4 जो शेड्यूल 2 और 3 में दिया गया है, और इसका रेफरेंस जो रूल है वो 10, 11 और 12 में। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपका केमिकल्स के ओरिएंटेड ये रूल सबको एप्लीकेबल है, या फिर आइसोलेटेड स्टोरेज ओरिएंटेड ये रूल्स एप्लीकेबल है, या फिर जो प्रोसेस या पाइपलाइंस ओरिएंटेड है तो ये रूल एप्लीकेबल है। तो अगर आपका यूनिट एमएच यूनिट डिफाइन हो चुका है गवर्नमेंट थ्रू, तो यहाँ पे आप ये जो रूल्स है एमएसआईसी के वो आपको फॉलो करना पड़ेगी, ये जो शेड्यूल्स है ये भी आपको रेफर करना पड़ेगी, और फिर वो गाइडलाइन के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ स्टेप्स का एग्जीक्यूशन भी यहाँ पे करना पड़ेगा। अल्टीमेट अपना एम क्या है कि यहाँ पे मेजर एक्सीडेंट अवॉइड करना है, एक्सीडेंट होना ही नहीं चाहिए, इसके लिए आपको क्या क्या एक्टिविटीज करनी है। तो इसके लिए ये एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है, जैसे नॉर्मली हम जो कंप्यूटर्स में या लैंग्वेजेस के लिए या कोई प्रोजेक्ट के लिए फ्लो चार्ट जैसे यूज करते हैं, वैसे यहाँ पे ये एमएसआईसी रूल के अंदर अगर एमएच इंस्टॉलेशन को आपको डिफाइन करना है तो ये प्रोसेस क्या होगी इसके बारे में ये फ्लो चार्ट बताता है। जैसे यहाँ पे आपने ये प्रोसेस स्टार्ट किए तो कोई भी एक्टिविटी या फिर जो इंडस्ट्रीज के जो पाइपलाइन होती है या फिर आइसोलेटेड स्टोरेजेस होते हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी जो यहाँ पे हजार्डस केमिकल्स ओरिएंटेड होगी तो वो आपको सबसे पहले चेक करना है। तो ये रूल नंबर 2 जो है उसको रेफर करना है, फिर शेड्यूल 4 भी आपको रेफर करना है, और उसके ओरिएंटेड एक्टिविटीज क्या होती है ये आपको चेक करना है। अगर आपको लगता है कि ये हजार्डस केमिकल ओरिएंटेड एक्टिविटी है तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड होना होगा। अगर आपको लगता है कि ये हजार्डस केमिकल ओरिएंटेड एक्टिविटी नहीं है, ये कंट्रोल्ड एक्टिविटी है, तो कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं। इन केस ये हजार्डस केमिकल ओरिएंटेड एक्टिविटी ये डिफाइन हो चुका है तो उसमें फिर आपको क्राइटेरिया चेक करना होगा जो शेड्यूल 1 में दिया है और पार्ट 2 में दिया है कि जो हजार्डस केमिकल्स आप हैंडल कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, या पाइपलाइंस में कैरी कर रहे हैं, या फिर कहीं पे आप यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये शेड्यूल चेक करना पड़ेगा, उसमें से केमिकल का जो लिस्ट दिया है वो चेक करना पड़ेगा, और उसकी थ्रेशोल्ड क्वांटिटी भी आपको चेक करनी होगी। अगर ये लिस्ट में है शेड्यूल 1 के पार्ट 2 में और यहाँ पे यस होता है तो नेक्स्ट स्टेप आपको ये लेनी होगी जहां पे ये बताया कि जो सेफ ऑपरेशन है उसका डेमोन्स्ट्रेशन वहां पे आप पूछ सकते हैं। अगर उनको मालूम नहीं होगा तो आपको उनको गाइडलाइन बतानी होगी, तो रूल 4 के हिसाब से आपको सेफ ऑपरेशन के लिए डेमोन्स्ट्रेशन देना जरूरी है। फिर आपका मेजर एक्सीडेंट जो रिपोर्ट है वो मेजर एक्सीडेंट का रिपोर्टिंग 48 आवर्स के अंदर करना चाहिए, ये नेसेसरी है। और फिर जो उसका मेजर एक्सीडेंट का जो डिटेल रिपोर्ट है शेड्यूल 5 के हिसाब से ये आपको रिपोर्ट भी डिटेल में सबमिट करना जरूरी है। और फिर रिपोर्ट में कंटेंट्स क्या होने चाहिए ये रूल नंबर 10, 11 और 12 में ऑलरेडी दे चुके हैं। इसके अलावा जो आप हजार्डस केमिकल्स यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन हो चुके हैं, आपके शेड्यूल 1 में भी लिस्ट आउट है, तो यहाँ पे आपको MSDS यानी मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट जो है ये कंपलसरी प्रिपेयर करनी होगी, और उसके साथ जो लेबलिंग है वो लेबलिंग भी करना होगा। तो ये गाइडलाइंस रूल नंबर 17 में दिए, तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करनी होगी अगर ये शेड्यूल 1 में लिस्ट आउट है। इन केस अगर ये शेड्यूल 1 में लिस्ट आउट नहीं है, दूसरा केमिकल्स है, तो कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं। तो इसमें ये एक एक्शन थी, और सेकंड एक्शन जो है वो सेकंड एक्शन ये है कि यहाँ पे केमिकल की जो लिस्टिंग की है हजार्डस केमिकल्स की जो शेड्यूल 1 पार्ट 2 में है, तो उसके साथ में आपको शेड्यूल 2 और 3 में भी चेक करना है कि ये जो थ्रेशोल्ड क्वांटिटी है जिसका मीन्स आपके पास जितना क्वांटिटी स्टोर है या आप हैंडल कर रहे हैं वो थ्रेशोल्ड क्वांटिटी विद इन परमिसिबल लिमिट्स है या नहीं, तो इसके लिए आपको शेड्यूल 2 और 3 चेक करना चाहिए। अगर ये शेड्यूल जो क्वांटिटी के हिसाब से है तो ये ठीक है, अगर ये नहीं होता है तो उसके बाद में फिर आपको कॉलम 3 शेड्यूल 2 और 3 और फिर कॉलम 4 भी यहाँ पे चेक करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी हमने कॉलम 3 चेक कर लिया, उसके बाद में आपको कॉलम 4 भी चेक करना होगा अगर ये थ्रेशोल्ड क्वांटिटी हायर साइड में है। उसके बाद में फिर आपको थ्रेशोल्ड क्वांटिटी चेक करना है और उसके बाद में आप एक्शन ले सकते हैं। अगर इनकेस ये थ्रेशोल्ड क्वांटिटी से हायर साइड में तो आपको सेफ्टी रिपोर्ट और फिर सेफ्टी ऑडिट करना जरूरी है, उसके बाद में सेफ्टी ऑडिट का रिपोर्ट भी करना जरूरी है,
और इसके लिए आपको रूल नंबर 10, रूल नंबर 11 और रूल नंबर 12 आपको फॉलो करना है। तो ये 10, 11 और 12 में आपको सेफ्टी रिपोर्ट, सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट और इसकी इंफॉर्मेशन, उसके जो सबमिशन है वो आपको नेसेसरी है। और ये करने के साथ भी आपको जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन का भी आपको फॉलोअप लेना होगा। थ्रेशोल्ड क्वांटिटीज के बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देनी होगी, ये रूल नंबर 7 उसको रेफर करना होगा। जो भी आपके ऑन साइट इमरजेंसी प्लानिंग है या फिर ऑफ साइट इमरजेंसी प्लानिंग है, ये भी आपको कंपलसरी होगी अगर ये आप यहाँ पे होंगे। तो थ्रेशोल्ड क्वांटिटी जो भी आपको डिफाइन की गई है उस हिसाब से आपको ऑन साइट इमरजेंसी प्लान रूल नंबर 13 के हिसाब से, ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान रूल नंबर 14 के हिसाब से प्रिपेयर करना जरूरी है। और फिर ये जो मेजर एक्सीडेंट हजार्ड ओरिएंटेड जो इंफॉर्मेशन है, ये सब पब्लिक को आपको डिस्क्लोज करना है रूल नंबर 15 के हिसाब से। और ये कंप्लीट होने के बाद भी आपको वापस से चेक करना है कि ये सब प्रिपरेशन हुआ है, यानी कि अगर आपका MAF यूनिट है तो ये आपको शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 और उसके बाद में जो रूल नंबर है, रूल नंबर 2, रूल नंबर 4, रूल नंबर 17, रूल नंबर 10, 11, 12, 13, 14, ये सभी आपको एप्लीकेबल होंगे। तो जिस हिसाब से MAH इंस्टॉलेशन होगा, जिस हिसाब से हजार्डस केमिकल्स की लिस्टिंग में अगर वहां पे आपका यूनिट आता है, या फिर जो थ्रेशोल्ड क्वांटिटी है वो शायद शेड्यूल 2 या 3 के हिसाब से कॉलम 3 में आ सकता है, कॉलम 4 में आ सकता है, या फिर थ्रेशोल्ड क्वांटिटी से भी एक्सेस अगर आप केमिकल हैंडल करते होंगे, स्टोर करते होंगे, मैन्युफैक्चर करते होंगे, तो उसके लिए भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होगी। तो जो MAH यूनिट में एग्जैक्टली क्या करना है, ये आप ये प्रोसेस फ्लो चार्ट से भी आपको पता चल जाएगा। अभी जो हमने बात की थी, जो अलग अलग रूल्स हैं और जो अलग अलग शेड्यूल्स हैं उसके बारे में, तो यहाँ पर भी ये शॉर्ट में दिया है। यहाँ पर स्पेसिफिकली जो साइट्स है उसके बारे में, जो फैक्ट्रीज जिसको हम बोलते हैं, तो ये एक साइट हो सकती है, ये फर्स्ट, जहां पे ऑपरेशन या प्रोसेस जो है वो शेड्यूल नंबर 4 के हिसाब से हजार्डस केमिकल्स की जो लिस्टिंग की है, जो शेड्यूल 3 में भी है, और थ्रेशोल्ड क्वांटिटी जो कॉलम 4 में डिफाइन किए हैं, तो ये एक साइट हो सकती है जहां पे ये 24 केमिकल्स की लिस्टिंग में आप शायद वो केमिकल का यूनिट होगा, या फिर जो 5 क्लासेस की कैटेगरी दी है उसमें होगा, तो उसके लिए आपको ये रूल नंबर्स फॉलो करने होंगे। अगर आपकी ये सेकंड नंबर में साइट है जहां पे ये शेड्यूल 4 आता है और वहां पे हजार्डस केमिकल्स की जो लिस्टिंग है ये शेड्यूल 3 में जो दी है उसकी थ्रेशोल्ड क्वांटिटी कॉलम 3 में जो दी है, अगर इसमें आपका स्पेसिफिक केस आता है तो आपको जो रूल है ये रूल आपको फॉलो करने होंगे। यानी कि जो 179 केमिकल्स या 6 क्लासेस जो दिए हैं इसमें अगर आपके केमिकल्स आते हैं और ये फैक्ट्री आती है तो ये सेकंड साइट हो गए। और थर्ड साइट जो होती है तो उसमें आपको शेड्यूल 1 में जो केमिकल्स दिए हैं, जो लिस्टिंग जिसमें टॉक्सिक केमिकल्स या फ्लेमेबल केमिकल्स या एक्सप्लोजिव केमिकल्स होते हैं, या फिर जो स्पेसिफिक 684 केमिकल्स आपको लिस्टिंग करके दिए हैं उसमें अगर आते हैं तो आपको ये रूल नंबर फॉलो करना है। तो इसीलिए आपके एग्जैक्ट किस पॉइंट ऑफ व्यू साइट आती है तो आपको खुद को ये स्टडी करना है कि आपके इंडस्ट्री में ये कौन से केमिकल्स यूज होते हैं और वो केमिकल्स की थ्रेशोल्ड क्वांटिटी क्या है, और ये थ्रेशोल्ड क्वांटिटी के हिसाब से फिर आपको कौन से रूल नंबर एप्लीकेबल है, और फिर ये रूल नंबर के हिसाब से आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए जिसकी वजह से आप मेजर एक्सीडेंट यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। तो साइट की कैटेगरी भी एग्जैक्टली क्या है ये भी आपको चेक करना है, साइट 1, 2 और 3। तो जो अलग अलग MAH यूनिट्स होते हैं तो उसमें ले जैसे अभी हमने बताया कि यहाँ पे आपको खुद को चेक करना है, ऑक्यूपायर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर मैन्युफैक्चर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके लिए आपको महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल 1963 या फिर 63 या फिर फैक्ट्री एक्ट 1948 या फिर MSISC रूल 1989 या सीमा रूल 2003 या 97 आपको फॉलो करना जरूरी है। अभी कुछ अथॉरिटीज हैं जो अथॉरिटीज का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उसके बेसिस पे आपको ये अलग अलग रोल्स ऑफ अथॉरिटीज आपको मालूम होने चाहिए। तो यहाँ पे जो लीगल रेफरेंसेस है उस हिसाब से ही हमने ये रोल ऑफ अथॉरिटीज बताया है। जैसे कि यहाँ पे
जो आपका यूनिट है उसमें हर साल कंपलसरी एटलीस्ट एक इंस्पेक्शन यहाँ पे होना चाहिए। तो इंस्पेक्शन थ्रू ये आपको आइडिया कुछ पता चलेगी कि ये प्रोसेस क्या हो रही है, ये कैसी होनी चाहिए, ये एसओपी फॉलो होती है या नहीं, या फिर जो भी आप केमिकल्स हैंडल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर स्टोर कर रहे हैं, वो गाइडलाइंस के हिसाब से ही काम कर रहे हैं या नहीं। अगर इनकेस वहां पे कुछ इश्यूज होते हैं तो वहां पर वो गाइडलाइन मिलके आपको करेक्टिव एक्शन आपको लेना है। उसके अलावा जो एनुअल रिपोर्ट सबमिशन है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट थ्रू आपको प्रॉपर चैनल में ये सबमिशन करना है। और एनुअली आपके यहाँ पे जो एक्टिविटीज होती है, जो हजार्डस केमिकल्स आप हैंडल कर रहे हैं या प्रोसेस हैंडल कर रहे हैं, उसके बारे में ये डिटेल्स आपको देना है। अगर इनके हिसाब के कुछ प्रोसेस में चेंज हुआ है या फिर केमिकल्स में चेंज हुआ है या फिर केमिकल्स के स्टोरिंग क्वांटिटी में, थ्रेशोल्ड क्वांटिटी में, मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी में अगर इनकेस कुछ चेंजेस होते हैं तो वो भी आपको स्पेसिफिक आपका एनुअल रिपोर्ट में भी बताना है। उसके अलावा जो कुछ डायरेक्शंस या प्रोसीजर्स हैं जो इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस के लिए होती है तो ये फैक्ट्री एक्ट के अंडर होती है। जैसे यहाँ पे हमने पहले ही बात की थी कि नोटिफिकेशन ऑफ मेजर एक्सीडेंट्स एज पर रूल 5(1) और 5(2) ये फैक्ट्री एक्ट के जो अंदर जो रूल है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। फिर जो नोटिफिकेशन ऑफ साइट है रूल नंबर 789, सेफ्टी रिपोर्ट्स है रूल नंबर 10, 11, 12, ये MSISC के रूल है, जहां पर ये रूल नंबर जो आएंगे वो MSISC के रूल्स है। और फिर प्रिपरेशन ऑफ ऑन साइट और ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान जो रूल नंबर 13 और 14 है। तो ये जो अथॉरिटीज है, जो लीगल अथॉरिटीज है, उन्होंने ये कंप्लायंस देखने चाहिए कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से यहाँ पे ये अथॉरिटीज ये वर्कआउट कर रही है। तो ये अथॉरिटीज कौन कौन से हो सकती है, तो यहाँ अथॉरिटी हो सकती है लोकल अथॉरिटी या पुलिस या फिर फायर ब्रिगेड या फिर फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर या हॉस्पिटल का मैनेजमेंट या फिर सिविल डिफेंस सर्विस या फिर मार्क ग्रुप जिसको हम म्यूचुअल एड रिस्पांस ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पे ये अलग अलग अथॉरिटीज होती है और उनके कुछ अलग रोल होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लोकल अथॉरिटीज जैसे कि जो भी MIDC या जो रीजन है वहां पे कुछ स्पेसिफिक अथॉरिटीज हो सकती है, जैसे MIDC के भी कुछ अथॉरिटीज होती है, गवर्नमेंट की कुछ अथॉरिटीज होती है। तो ये सभी अथॉरिटीज का रोल उनको मालूम होना चाहिए और एज अ MH यूनिट आपको उनको डिटेल इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही कुछ एक्सीडेंट होता है तो पहले ही ये पुलिस को मालूम होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर यूनिट में एक्सीडेंट हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पे ये हजार्डस केमिकल की वजह से हो सकता है, तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रोविजन करनी चाहिए। या फिर अगर यहाँ पे कुछ हाईली फ्लेमेबल या फ्लेमेबल कैटेगरी के केमिकल्स यूज हुए हैं और फायर कैच हो गई है, इस हिसाब से फायर ब्रिगेड जो डिपार्टमेंट है उनको पहले से ही मालूम होना चाहिए कि ये MH यूनिट है और इसमें ये केमिकल्स यूटिलाइज होते हैं, तो उस हिसाब से फायर एक्सटिंग्विशिंग जो सिस्टम्स या प्लानिंग है वो आपको वर्कआउट करनी होगी। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप ये इंफॉर्मेशन ये सभी अथॉरिटीज को डिस्क्लोज करेंगे। उसके बाद में अगर इनकेस वहां पे कुछ इंजुरीज होती है, फैटलिटीज होती है, तो इंजर्ड जो पर्सन है उनको अगर आपको फर्स्ट एड देना है या फिर कुछ ट्रीटमेंट देनी है, हॉस्पिटल्स में आपको उनको लेके जाना है या फिर क्लिनिक्स में लेके जाना है या फिर मेडिकल ऑफिसर थ्रू उनका चेकिंग करना है, तो उसके लिए भी आपको ये इंफॉर्मेशन अगर पहले से होगी तो आपको शायद कुछ जजमेंट होगा और ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। कुछ सिविल डिफेंसेस में भी कुछ कैटेगरीज आती हैं, जो अगर एरिया वहां पे कनेक्टेड रहेगा उस एरिया के अंदर यहाँ पे आता होगा तो उसके ओरिएंटेड भी आपको गाइडलाइंस यहाँ पे फॉलो हो सकती है। और ये जो म्यूचुअल एड रिस्पांस ग्रुप है तो ये नॉर्मली सभी MIDC में जो कंपनीज या फैक्ट्रीज रहती है, ये सभी फैक्ट्रीज का एटलीस्ट एक एक मेंबर यहाँ पे मार्क मेंबर होता है और इनकी अलग अलग जो मीटिंग्स होती है और ये मीटिंग्स में ये डिस्कशन होता है कि आपके पास आपकी फैक्ट्री के पास क्या क्या फैसिलिटीज है। ये फैसिलिटीज क्यों शेयर करेंगे हम, क्योंकि म्यूचुअली आपको यहाँ पे हेल्प करना है, यानी कि अगर ए इंडस्ट्री में कोई फायर कैच हुआ है तो शायद बी इंडस्ट्री यहाँ पे हेल्प कर सकती है, उनके पास फायर टेंडर होगा या फिर कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कुछ सिस्टम्स हो सकते हैं जिनकी वजह से यहाँ पे फायर इजिली कैच होगा या फिर एक्सटिंग्विश होगा। तो ये जो फैसिलिटीज आपको मालूम होनी चाहिए, इनकेस अगर यहाँ पे कोई टॉक्सिक रिलीज होता है कोई इंडस्ट्री में
और उसके ओरिएंटेड अगर यहाँ पे आपके पास कुछ पीपीज अवेलेबल नहीं है तो ये पीपीज भी अवेलेबल कर सकते हैं अगर शायद वो कंपनी सी में होगा। तो ये आपको सभी बातें मालूम चाहिए कि ए में एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है, हजार्डस केमिकल्स क्या है, वहां पे फायर एक्सप्लोजन या टॉक्सिक रिलीज के चांसेस क्या है, बी के पास भी ये फैसिलिटीज क्या है अवेलेबल इसको कंट्रोल करने के लिए, या फिर एज अ ट्रीटमेंट यहाँ पे फैसिलिटीज या कंट्रोलिंग सिस्टम्स क्या है अवेलेबल है। तो ये अलग अलग कंपनीज को ये इंफॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए। जैसे ही इस कंपनी का हम नाम लेंगे कि इस कंपनी का आपको इंफॉर्मेशन मिला है कि ए कंपनी में एक्सीडेंट हुआ है, तो बी और सी कंपनी को ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होता है कि ये कंपनी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो उस हिसाब से ये कंट्रोल करने के लिए ये आपको इजीली हेल्प करेंगे। तो ये म्यूचुअल एड रिस्पांस ग्रुप का मेन यहाँ पे फंक्शनिंग है। उसके अलावा जो अलग अलग केमिकल्स कंपनीज में या कोई बेसिक केमिकल्स दूसरे कंपनीज में भी यहाँ पे मॉक ड्रिल जो होते हैं, तो ये मॉक ड्रिल के लिए भी सभी को इन्विटेशन दिया जाता है, क्योंकि ये जो मॉक ड्रिल अगर कोई एक कंपनी में अच्छी मॉक ड्रिल होती है तो ये बाकी लोगों के लिए शेयरिंग होगा कि मॉक ड्रिल कैसे लेते हैं, या फिर अगर सिमिलर सिचुएशन या सिमिलर प्रोसेसेस आपके पास होगी तो आप भी इसी तरह से ये मॉक ड्रिल ले सकते हैं, ये आपके लिए लर्निंग होगा। तो ये शेयरिंग ऑफ नॉलेज जो हो सकता है या फिर शेयरिंग और एक्सपीरियंस थ्रू द मॉक ड्रिल्स या डेमोन्स्ट्रेशन या कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है, लेटेस्ट इक्विपमेंट आता है, नया इक्विपमेंट आता है, तो उसके ओरिएंटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करनी चाहिए, जिसके थ्रू आप यहाँ पे मेजर एक्सीडेंट प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, या फिर इनकेस मेजर एक्सीडेंट हो भी जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप मार्ग ग्रुप का भी सपोर्ट ले सकते हैं। तो ये अलग अलग फैसिलिटीज यहाँ पे। तो अभी तक हमने जो बात की थी तो बहुत सारे स्लाइड्स में रूल नंबर 13 और 14 आ चुका है, जिसमें हमने कहा था कि MSISC रूल 13 के हिसाब से आपको ऑन साइट इमरजेंसी प्लानिंग करना चाहिए और रूल 14 के हिसाब से आपको ऑफ साइट इमरजेंसी प्लानिंग करना चाहिए। तो ऑन साइट इमरजेंसी प्लानिंग में एग्जैक्ट गाइडलाइंस क्या दिए, तो MSISC रूल 1989 रूल 13 के हिसाब से ऑन साइट इमरजेंसी प्लानिंग के लिए गाइडलाइंस ये है कि आपके जो कंटेंट्स है प्लानिंग में, तो कंटेंट्स में जो ऑक्यूपायर है या जो मैन्युफैक्चरर है उसका डिटेल एड्रेस, डिटेल यहाँ पे जो नाम होगा, फिर उसकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, उसका ईमेल आईडी होगा, अल्टरनेट नंबर होगा, ये सभी डिटेल यहाँ पे आपको लगेंगे। उसके अलावा जो की पर्सन है उस इंडस्ट्रीज में, जैसे कुछ इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरर या ऑक्यूपायर कोई होगा लेकिन वो नॉर्मली उस जगह वो कंटिन्यू बेसिस पे नहीं होगा, शायद उसके अगर कोई 4 या 5 फैक्ट्रीज होगी तो अलग अलग जगह हो सकता है, तो उस हिसाब से वो इंडस्ट्री का या फैक्ट्री का कोई की पर्सन होता है, तो वो की पर्सन के भी आपके डिटेल्स वहां पे ये यहाँ पे इमरजेंसी प्लानिंग में होने चाहिए, क्योंकि उस टाइम इनकेस अगर मेजर एक्सीडेंट होता है और वो अगर मैन्युफैक्चरर या ऑक्यूपायर आउट ऑफ स्टेशन होगा तो ये की पर्सन को हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और की पर्सन थ्रू बहुत सारी बात यहाँ पे शॉर्ट में आप ले सकते हैं, जिसके बेसिस पे आपको एक्शन स्ट्रेटजी यहाँ पे डिसाइड करना चाहिए ये सिचुएशन अभी आपको कैसे हैंडल करनी है। तो उस हिसाब से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी उसकी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स होंगी ये आपको की पर्सन थ्रू मिल सकते हैं। फिर जो थर्ड पॉइंट है जिसमें आपको आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस जो अगर इन्वॉल्व होती है यहाँ पे, तो ये आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस के भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इमरजेंसी प्लानिंग में होंगी। फोर्थ पॉइंट है जो डिटेल्स ऑफ लायजन अरेंजमेंट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस और बाकी के ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ अगर लायजन होगा तो उसके भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे लगेगी। फिर जो प्रिलिमिनरी हजार्ड्स एनालिसिस है जिसको हम नॉर्मली PHA कहते हैं, यानी कि ये जो साइट है ये अप्रूव होने के बाद उसका जो पहले स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे जो हजार्ड एनालिसिस किया होगा, तो वो हजार्ड एनालिसिस में बहुत सारी बातें डिफाइन होती है, जैसे कि ये टाइप ऑफ हजार्ड क्या है और उसका लेवल क्या है, उसके बेसिस पे रिस्क क्या हो सकती है और यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, इश्यूज क्या हो सकते हैं, तो ये PHA का इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे लेना होगा ऑनसेट इमरजेंसी प्लानिंग के लिए। और जो मेन साइट के बारे में अभी हमने बात की MSISC रूल में, तो जो लोकेशन जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग या इंपोर्टिंग
या हैंडलिंग या स्टोरिंग एक्टिविटी होती है हजार्डस केमिकल्स ओरिएंटेड, तो वो साइट के डिटेल्स, तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और वो लोकेशन का एरिया कितना है, उसमें फिर एंट्री गेट कहाँ से है, एग्जिट गेट गेट कहाँ से है, या मटेरियल गेट कहाँ पे, या फिर जो मेन स्टोरेज एक्टिविटीज है वो स्टोरेज टैंक्स कहाँ पे है, टैंक फर्म्स कहाँ पे है, मेन सेंट्रल प्रोसेसिंग एरिया कहाँ पे है, या फिर जो फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम्स है वो, या फिर डिटेक्टर सिस्टम से या फिर सेंसर सिस्टम से वो कहाँ पर है, इसके भी डिटेल्स आपको ये साइट थ्रू मिल जाएंगे। तो ये डिटेल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल सकती है ऑन साइट इमरजेंसी प्लानिंग प्रिपेयर के लिए। उसके अलावा है जो हजार्डस केमिकल्स जो यूज होता है, तो हजार्डस केमिकल्स का नाम और उसकी क्वांटिटी और उसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स MSDS थ्रू जो होते हैं, तो उसमें स्पेशली आपको फायर या फिर एक्सप्लोजन कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर जो हेल्थ हजार्ड्स होते हैं उसके बारे में एटलीस्ट आपको यहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन देनी होगी। यहाँ पे फिर आपको बताना होगा कि लाइकली डेंजर्स टू द प्लांट, तो ये प्लांट में मेन डेंजरस ऑपरेशन, डेंजरस केमिकल्स और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या है, इसका प्रेडिक्शन आपको यहाँ पे देना है। उसके अलावा है जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में जो स्टडी होती है, तो यहाँ पे जो ऑपरेशंस होते हैं तो वो ऑपरेशन ओरिएंटेड स्ट्रेसेस और स्ट्रेन्स के बारे में आपको बताना होगा, और जो फायर और एक्सप्लोजन के चांसेस है वो फायर और एक्सप्लोजन के जो चांसेस है वो भी कहाँ पे है, जैसे कि अगर कोई प्रोसेस हाई टेम्परेचर पे रन होती है, यहाँ पे फ्यूल भी यूटिलाइज होता है, या फिर जो एक्सप्लोजिव केमिकल्स कहाँ पे यूज होते हैं, उसकी एक्सप्लोजिविटी रेंज कितनी है, तो ये भी आपको डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे 9th पॉइंट में बताना होगा। उसके अलावा जो इंडस्ट्री में आपके वार्निंग सिस्टम्स या अलार्म सिस्टम्स है, या फिर सेफ्टी सिस्टम्स है, सिक्योरिटी सिस्टम्स है, हजार्ड कंट्रोल सिस्टम्स है, या फिर जो सर्वेलेंस सिस्टम्स है, या रिपेयरिंग मेंटेनेंस का वर्क है, वो नॉर्मली कब होता है, यहाँ पे सिस्टम्स क्या क्या होती है, उसके एक्चुअल जो बेसिक बातें हैं, जैसे कि ये वार्निंग कब यहाँ पे एक्टिवेट होगी या फिर ये अलार्म कब एक्टिवेट होगा, तो उसके भी गाइडलाइंस क्या है, इसके सब डिटेल्स यहाँ पे 10th पॉइंट में मिल जाए। 11th पॉइंट में जो कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज है, जैसे अगर यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन आ चुकी है तो इमरजेंसी सिचुएशंस में सबसे पहले कांटेक्ट किसको करना है, सेकंड कांटेक्ट किसको करना है, थर्ड कांटेक्ट किसको करना है, और ये जो कम्युनिकेशन होने वाला है ये मोबाइल थ्रू होने वाला है, लैंडलाइन थ्रू होने वाला है, या फिर वहां पे कोई पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स अवेलेबल है, या फिर वहां पे कोई रनर अरेंजमेंट है, ये सभी बातें आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए 11th पॉइंट में मेंशन करनी होगी। 12th पॉइंट में जो है फायर फाइटिंग ओरिएंटेड और जो अदर फैसिलिटीज अवेलेबल आपके पास अगर होगी तो वो भी आपको यहाँ पे डिटेल, जैसे कि यहाँ पे कोई फायर हाइड्रेंट सिस्टम हो सकता है, या फायर होज रेल सिस्टम हो सकता है, या ऑटोमेटिक स्प्रिंकलिंग सिस्टम हो सकता है, बैक सिस्टम हो सकता है, या फिर और कोई फैसिलिटीज यहाँ पे हो सकती है, जैसे कि आज के डेट में हम कोई ड्राई केमिकल पाउडर ओरिएंटेड फायर बॉल भी यूज कर रहे हैं, या फिर कोई सेंसर सिस्टम्स भी यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर हाई वेलोसिटी, मीडियम वेलोसिटी, लो वेलोसिटी वाले स्प्रिंकलिंग सिस्टम्स भी यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो भी फैसिलिटीज आपके पास होगी तो वो फैसिलिटी आपको बतानी होगी, और जो नियर बाय इंडस्ट्रीज है वो नियर बाय इंडस्ट्रीज से भी आपको क्या हेल्प मिल सकती है उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देनी चाहिए। अगर इनकेस उस टाइम में आप बिजी होंगे वो मेजर एक्सीडेंट हजार कंट्रोल सिस्टम्स के लिए कंट्रोल करने के लिए, तो बाकी के जो अथॉरिटीज है वो शायद अथॉरिटीज आपको ये बाकी लोगों को कम्युनिकेट करके वो हेल्प यहाँ से ले सकते हैं। उसके अलावा जो हेल्थ ओरिएंटेड इश्यूज अगर यहाँ पे होते हैं, इंजुरीज होती है, तो यहाँ पे फर्स्ट एड की आपके पास फैसिलिटीज क्या है, और जो हॉस्पिटल सर्विसेज है उसकी फैसिलिटीज क्या है, इसके बारे में आपको ये डिटेल इंफॉर्मेशन देनी होगी, और उसे भी पता चलेगा कि ये एडिक्वेट है या नहीं। अगर आपको बाहर से हेल्प मांगनी है तो वो म्यूचुअल एड रिस्पॉन्स ग्रुप से भी आप हेल्प मांग सकते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज रहती है, लोकल अथॉरिटीज रहती है, पुलिस रहते हैं, या फिर कलेक्टर ऑफिसेस होते हैं, उसके थ्रू भी आप यहाँ पे हेल्प मांग सकते हैं। तो ये ऑन साइट इमरजेंसी प्लानिंग के लिए ये डिटेल गाइडलाइन से रूल नंबर 13 में, तो ये इमरजेंसी प्लानिंग के लिए आपको ये डिटेल इंफॉर्मेशन पहले आपको देनी होगी और उसके बाद में ही ये वर्कआउट हो सकता है। तो जितना डिटेल और क्लियर कट सिंपल लैंग्वेज में आप ये इंफॉर्मेशन देंगे उस हिसाब से ये ऑन साइट इमरजेंसी प्लानिंग भी एक्टिवेट हो सकता है।
अभी ये जो शेड्यूल 12 है इसमें इंफॉर्मेशन दिए है ऑफसाइट इमरजेंसी प्लानिंग के बारे में। तो जैसे अभी हमने रूल भी देखा था रेफरेंस में, और उसमें अगर आप एमएसआईसी रूल में शेड्यूल 12 देखेंगे तो उसमें भी ऑफसाइट इमरजेंसी प्लानिंग के ओरिएंटेड गाइडलाइंस दिए। तो इसमें भी इंफॉर्मेशन आपको क्या लगेगी, जैसे अभी हमने बात की थी कि एक्सीडेंट का टाइप यहाँ पे क्या हो सकता है, या फिर जो टॉक्सिक रिलीजेस है या केमिकल रिलीज अगर होते हैं तो उसका इफेक्ट क्या हो सकता है, और वो किस एरिया में कहाँ तक फैल सकता है, उसके डिटेल्स भी आपको यहाँ पे देने होंगे। फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस का की पर्सन है, जैसे अभी हमने ऑन साइट में देखा था, उसी हिसाब से यहाँ पे ऑफ साइट में भी आपको की पर्सन के डिटेल्स देने होंगे। उसके अलावा जो लोकेशन है, एग्जैक्ट साइट का लोकेशन, तो आज के डेट में हम मैप जैसे ऐप भी यूज करते हैं, तो गूगल मैप थ्रू भी आप या फिर जीपीएस ओरिएंटेड भी आपको इजीली आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा सिंपल हो गया है, जिसके थ्रू भी आपको एग्जैक्टली लोकेशन भी पता चलेगा। और फिर ये लोकेशन में जो अलग अलग डेंजरस सब्सटेंसेस है या फिर जो पर्संस है या फिर यहाँ पे इमरजेंसी कंट्रोल सिस्टम्स क्या है, कंट्रोल रूम्स कहाँ पर है, इसके बारे में भी आपको जानकारी देनी है। क्योंकि इन केस अगर ये एक्सीडेंट नियर बाय इंडस्ट्री होता है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर साइट के बाहर कहीं पे हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, दोनों भी बात जो है वो आपको ध्यान में रखते हुए ये इमरजेंसी प्लानिंग करनी होगी। तो अभी हम ऑफसाइट इमरजेंसी प्लानिंग के बारे में बात करें, तो ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन आपको केमिकल के बारे में डिटेल यहाँ पे देनी होगी, क्योंकि अगर ऑन साइट में अगर एक्सीडेंट होता है तो ऑलरेडी जो वर्कर्स वहां पे अवेलेबल है और उनको सभी डिटेल्स यहाँ पे मालूम होते हैं। लेकिन जैसे अगर ये कोई टैंकर ट्रांसपोर्टेशन का इश्यू है और वहां पे एक्सीडेंट होता है तो बाहर के लोगों को ये केमिकल्स के बारे में आपसे ही जानकारी मिलेगी, अदरवाइज उनको पता ही नहीं चलेगा कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और ये डेंजरस सिचुएशन क्या क्रिएट कर सकता है। तो इसी हिसाब से जो हजार्डस केमिकल्स हैंडल करने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं, तो उनको कैरी करते टाइम इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन लेके जानी चाहिए। जैसे अभी हमने ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी कार्ड के बारे में भी देखा था, तो वहां पर भी इंफॉर्मेशन रहती है, कुछ आपको हैजकेम पैनल भी रहते हैं या फिर यूएन क्लासिफिकेशन वाला जो नंबर होता है उससे पता चलता है, या फिर जो यूएन क्लासिफिकेशन का सिंबल रहता है उससे भी पता चल सकता है, या फिर जो केमिकल नेम है या केमिकल नंबर है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस नंबर, उससे भी पता चलता है। तो ये जो भी आपको की पॉइंट लगता है उस हिसाब से आप ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे सकते हैं, और इस इंफॉर्मेशन थ्रू भी अभी जो बाहर के भी अगर लोग रहेंगे तो वो आपके केमिकल के डिटेल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो उसके लिए फिर जो फैसिलिटीज होती है वो एग्जैक्टली फैसिलिटीज आप क्या यूज कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट के जो रूट्स है वो भी आपके एग्जैक्ट क्या है वो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन लगेगी, क्योंकि किस एरिया से वो जाने वाला है, किस एरिया में ये पॉसिबिलिटीज है कि एक्सीडेंट होने के, या फिर कहीं पे स्लोप है या फिर कहीं पे नेगेटिव स्लोप है या फिर कहीं पे ज्यादा ट्रैफिक है या फिर कहीं पे जो भी विड्थ रोड का होता है वो कम है या फिर कोई डेंजरस सिचुएशन हो सकती है और इसकी वजह से अगर एक्सीडेंट के चांसेस है, तो ये फैसिलिटीज भी आपको बतानी होगी यहाँ पे, और उसके लिए स्पेसिफिक रूट्स भी बताना होगा कि कहाँ से ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे जाने वाला था। उस हिसाब से भी आप नियर बाय जो लोकेशंस हैं या फिर जो ट्रांसपोर्टर या रिसीवर जो होगा उससे भी आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपको ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखना होगा। उसके अलावा है जो मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जैसे कि यहाँ पे आपका किस एरिया में एक्सीडेंट होने के चांसेस है, आपका जो साइट है वो किस लोकेशन पे है और वहां पे फिर टेम्परेचर क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, या फिर उस एरिया में और कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो मेट्रोलॉजिकल ओरिएंटेड है वो आपको यहाँ पे कंपलसरी बताना है। फिर उसके अलावा जो उसके साथ जब आप ये केमिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो वो टेम्पररी फूड या एकोमोडेशन की फैसिलिटीज वहां पे दी गई है नहीं, या फिर फर्स्ट एड के यहाँ पे बॉक्सेस अवेलेबल है या नहीं, फर्स्ट एड कंटेंट्स अवेलेबल है या नहीं, नियर बाय हॉस्पिटल या हॉस्पिटल सर्विसेज आपके पास अवेलेबल है या नहीं, एम्बुलेंस की प्रोविजन आपके पास है या नहीं, या फिर जो वाटर और एग्रीकल्चर की अथॉरिटीज हैं उनके थ्रू आपने कुछ परमिशन लिए हैं या फिर उनकी कुछ प्रोविजन या फैसिलिटीज आप यूज कर रहे हैं, ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे
ऑफ साइट इमरजेंसी प्लानिंग में रखनी होगी। उसके अलावा कम्युनिकेशन जो लिंक्स है, जैसे कि यहाँ पे कुछ टेलीफोन नंबर हो सकते हैं, या फिर रेडियो, या फिर वॉकी टॉकी, या फिर जो वायरलेस कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर सैटेलाइट मोबाइल्स भी यूज होते हैं, तो ये डिपेंड से सिचुएशन क्या है उस हिसाब से ये अलग अलग कम्युनिकेशन डिवाइसेस आपके पास हो सकते हैं। और एग्जैक्ट कम्युनिकेशन मेथड आपके यहाँ पे क्या अवेलेबल होगी ये आपको यहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन में बताना, क्योंकि ये ऑफ साइट में है, इसीलिए आपको जो मेन आपका साइट है उनको कॉन्टेक्ट करना जरूरी है, और जहां पर ये केमिकल ट्रांसपोर्ट होने वाला था उनको भी बताना जरूरी है, और फिर बाद में आप नियर बाय जो हेल्प है अथॉरिटीज की वो हेल्प मांग सकते हैं। उसके अलावा जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट से आपके पास क्या अवेलेबल है, या फिर जो डैमेज कंट्रोलिंग सिस्टम्स या रिपेयरिंग सिस्टम्स जो है उसके लिए आपके पास क्या क्या इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, ये भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी होगी। फिर जो ऑफसाइट इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोसीजर है, तो ये रिस्पॉन्स प्रोसीजर अगर आपने प्रिपेयर किया होगा तो उसका डिटेल भी यहाँ पे आपको देना होगा ऑफसाइट इमरजेंसी प्लानिंग में, क्योंकि शायद कुछ अथॉरिटीज या बाकी लोगों को, बाहर के लोगों को एग्जैक्ट रिस्पॉन्स कैसे देना चाहिए इसके लिए शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन आपने शायद कुछ मॉक ड्रिल्स कंडक्ट किए होंगे, आपने कुछ कॉम्पिटेंट पर्सन थ्रू कुछ गाइडलाइंस लिए होंगे, या फिर कुछ ट्रेनिंग्स लिए होंगे, कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम लिए होंगे, जिसके थ्रू आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पे रिस्पॉन्स के लिए मालूम होगी, तो ये भी जानकारी आपके रिस्पॉन्स प्रोसीजर में आनी चाहिए। और शायद साइट के बाहर अगर ये एक्सीडेंट होता है तो उनको ये हेल्प यहाँ पे बहुत जरूरी हो सकती है। उसके अलावा पब्लिक को आपको नोटिफाई करना है, नोटिफिकेशन देना है, पब्लिक को अवेयर करना है कि ये हजार्डस केमिकल है, इसका ये प्रॉब्लम हो सकता है, और इसीलिए आपको ये डिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन करना है। फिर इवैल्यूएशन के लिए कुछ अरेंजमेंट यहाँ पे हो सकती है कि आपको एक्सीडेंट का एग्जैक्ट इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, इसकी वजह से प्रेडिक्शन भी आपको समझ में आएगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, और फिर बाद में आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने टाइम में और किस इक्विपमेंट के साथ, किस फैसिलिटीज के साथ ये आप जो अरेंजमेंट है या फिर जो एक्सीडेंट हो चुका है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद में जो प्रेस में या मीडिया में आपको जो बताना है, तो एग्जैक्ट क्या हुआ था, किस वजह से हुआ था, और ऐसा वापस नहीं होना चाहिए, इसके लिए कंपनी ने क्या करना चाहिए, या फैक्ट्री ने क्या करना चाहिए, या फिर जो ट्रांसपोर्टर था उसने क्या करना चाहिए, और जो पब्लिक है उन्होंने भी क्या करना चाहिए, इसके बारे में ये मीडिया में जानकारी देंगे, क्योंकि ऐसे सिमिलर एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं और जिसका इफेक्ट डायरेक्टली पब्लिक पे हो सकता है। स्पेशली ऐसे एक्सीडेंट के बारे में यहाँ पे मीडिया में ये पब्लिश होना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ये सीख सकते हैं कि ऐसे भी एक्सीडेंट होते हैं और हमने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके अलावा है लॉन्ग टर्म क्लीनअप, तो अगर यहाँ पे मेजर एक्सीडेंट होता है तो कुछ केमिकल का स्पिलेज होगा, या फिर कोई केमिकल यहाँ पे लीक होगा, या फिर फायर और एक्सप्लोजन की वजह से यहाँ पे केमिकल स्प्रेड भी हो सकता है, उसके बाद में आपको क्लीनिंग करना जरूरी है, क्योंकि 100% क्लीनिंग होने के बाद ही आप यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं रिस्टार्टअप का, अदरवाइज यहाँ पे आपको प्लानिंग करना गलती हो सकती है, क्योंकि कुछ हजार्डस केमिकल या फ्लेमेबल एक्सप्लोसिव केमिकल्स की वजह से फिर से ये एक्सीडेंट रिपीट हो सकता है। तो ये ओवरऑल गाइडलाइंस थे ऑनसाइट इमरजेंसी प्लानिंग और ऑफसाइट इमरजेंसी प्लानिंग के लिए MSIC रूल 1989। अभी हमने जो बात की थी MSDS या सेफ्टी डेटा शीट या फिर कलेक्शन डेवलपमेंट और डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में, तो जो भी आप हजार्डस केमिकल्स यहाँ पे स्टोर हैंडल या मैन्युफैक्चर कर रहे तो उसके लिए यहाँ पे ये सेफ्टी डेटा शीट प्रिपेयर होना चाहिए, या फिर जो कलेक्शन डेवलपमेंट और डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसके लिए यहाँ पे गाइडलाइंस दिए हैं शेड्यूल 9। तो आप यहाँ पे रूल नंबर 17 या शेड्यूल 9 या महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल 1963 रूल नंबर 73M ये कोई भी रेफर कर सकते हैं, वहां पर उन्होंने दिया है कि जो भी आप हजार्डस केमिकल्स यूज कर रहे हैं तो उसका केमिकल आइडेंटिटी यहाँ पे आपको मालूम होनी चाहिए, जो भी फिजिकल और केमिकल डेटा है यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज
जैसे कि यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, डेंसिटी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ये बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे हो सकते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी आप यहाँ पे स्पेसिफिक बात कर सकते हैं कि ये केमिकल इस केमिकल के साथ रिएक्ट कर देगा और फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी या फिर हाईली रिएक्टिव यहाँ पे रिएक्शन हो सकती है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज ओरिएंटेड भी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। उसके अलावा स्पेसिफिकली यहाँ पे फायर और एक्सप्लोजन का हजार्ड डेटा देना होगा, जैसे कि फायर पॉइंट है या फिर फ्लैश पॉइंट है, एक्सप्लोसिविटी रेंज है, और इनकेस यहाँ पे इतना टेम्परेचर होगा तो यहाँ पे फायर के चांसेस कितने हैं या फिर एक्सप्लोजन के चांसेस कितने हैं, ये डेटा आपको डिटेल में यहाँ पे केमिकल के बारे में देना होगा। रिएक्टिविटी डेटा, जैसे अभी हमने बात की थी कि एक केमिकल दूसरे केमिकल के साथ यहाँ पे कितना हाईली रिएक्टिव है या मीडियम रिएक्टिव है या लो रिएक्टिव है, ये डिटेल इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी होगी। जैसे कुछ केमिकल्स के बारे में स्पेशली वाटर के साथ हाईली रिएक्टिव नेचर रहता है, इसीलिए जब भी आप फायर एक्सटिंग्विश करेंगे तो उस टाइम आपको ये याद रखना होगा कि अगर रिएक्टिविटी डेटा में दिया है कि यहाँ पे वाटर यूज नहीं करना है, वहां पे फोम या पाउडर यूज करना है, तो उस हिसाब से आपको एक्शन लेना सिंपल हो जाएगा। फिर हेल्थ हजार डेटा, जैसे कुछ केमिकल्स का बॉडी में एंट्री हो सकता है रेस्पिरेशन ट्रैक थ्रू या फिर इंजेशन थ्रू, यानी कि माउथ थ्रू, या फिर स्किन थ्रू भी हो सकता है, आईज थ्रू भी हो सकता है। तो ऐसे कुछ केमिकल्स जो है जो आपके ओवरऑल बॉडी पे हेल्थ पे एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसके ओरिएंटेड भी डेटा यहाँ पे देना होगा। और फिर वहां पे आपको डिसाइड करना होगा कि फर्स्ट एड क्या होना चाहिए। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी यहाँ पे आपको देने होंगे कि आपको क्या क्या प्रोसीजर्स अडॉप्ट करनी है या SOPs आपको क्या फॉलो करनी चाहिए। कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए आपको एग्जैक्ट एक्शन क्या लेना चाहिए, एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, इनकेस यहाँ पे कुछ इंजुरीज होती है तो यहाँ पे फर्स्ट एड एग्जैक्टली क्या होना चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी जाती है, क्योंकि अलग अलग केमिकल्स के लिए अलग अलग फर्स्ट एड होता है या फिर अलग अलग इमरजेंसी सिचुएशन वहाँ पे हो सकती है। जिससे कुछ केमिकल्स का टॉक्सिक रिलीज प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, कुछ केमिकल्स का फायर कैच होना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, कुछ केमिकल्स का एक्सप्लोजन यहाँ पे हो सकता है, तो ये अलग अलग बातें हैं या फिर कॉम्बिनेशन भी कहीं पे हो सकता है। तो उस हिसाब से आपको इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल कैसे करनी चाहिए और फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या देनी चाहिए, इसके भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना जरूरी है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे देनी होगी, अगर इनकेस यहाँ पे आपके कंट्रोल में है फिर भी ये स्प्रेड कैसे हो सकता है या फिर कुछ टाइम के लिए आपको ये स्प्रेडिंग कैसे अवॉइड करना है या फिर आपको इसको कंट्रोल कैसे करना है या फिर कुछ एक्सपर्टाइज का एडवाइस लेना है, कॉम्पिटेंट पर्सन का एडवाइस लेना है, तो वो भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप ले सकते हैं या फिर कुछ रेफरेंस कॉन्टेक्ट और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन या डिटेल इन्फॉर्मेशन भी आप दे सकते हैं। उसके अलावा मैन्युफैक्चरर और सप्लायर का डेटा यहाँ पे देना नेसेसरी है, क्योंकि सबसे पहले हम इनको ही कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उनको ही सबसे ज्यादा ये डिटेल्स मालूम होगा कि ये एग्जैक्टली केमिकल क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, ये कहाँ से कहाँ जा रहा था, एग्जैक्ट टाइम क्या था, ड्राइवर को ट्रेनिंग दी गई या नहीं, इनको ये सब मालूम है या नहीं, और फिर आपको क्या करना चाहिए इसके लिए। शायद इमीडिएट स्टेप्स जो एक्शन रिस्पॉन्स रहता है ये मैन्युफैक्चरर इजीली बता सकता है या फिर सप्लायर बता सकता है। और फिर बाकी का जो डिस्क्लेमर पॉइंट है कि हमको ये सभी इन्फॉर्मेशन मालूम है, ये अभी हमने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए हैं, और फिर ये एडिशनल अगर कुछ डेटा आपको देना है तो यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये ओवरऑल था कलेक्शन डेवलपमेंट डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन या सेफ्टी डेटा शीट रूल नंबर 17 MSIIC रूल 1989 या शेड्यूल 9 MSIIC 1989 के हिसाब से। थैंक यू।